हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ इन सक्सेस क्लासेज टेक्निकल एजुकेशन और मैं मोहम्मद अरसद आज आपके लिए वन शोट लेक्चर लेके प्रेजेंट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के आज से आपके वो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसका सोल्यूशन कराएंगे तो आज इसी रिगार्ड में जो आज का जो आज ले, आपका लेक्चर रहेगा जो टारगेट है आप आज के लेक्चर का वन शोट का तो वो फर्स्ट यूनिट कवरअप करेंगे एक ही कंप्लीट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट को पूरी तरह से कंप्लीट करना है लास्ट ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसका उसे आपको बताएंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आपसे करने जा रहे हैं तो स्टार्ट <coughs> करते हैं आज का लेक्चर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिक्विड क्रिस्टल्स का लिक्विड क्रिस्टल्स कई सारे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे और यहाँ पर हमने वो सारे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के जो पिछले दो या तीन साल के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से सेलेक्ट करें जो लिक्विड uh, क्रिस्टल्स जो है लगभग हर सेमेस्टर में आप देख सकते हैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स यानी कि लिक्विड क्रिस्टल्स कितनी तरह का होता है और लिक्विड क्रिस्टल्स <coughs> की एप्लीकेशन क्या है दूसरे क्वेश्चन जो कि टू uh, थाउजेंड में आया है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में इसी तरह से डिस्कस दी सेकेंड क्वेश्चन क्या आया है और सेकंड सेमेस्टर में 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर में फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है देखिए सेम डिस्कस द्लासिफिकेशन लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल को क्लासिफाई करना है एंड डिस्टिंग नेमेटिक एंड स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स गिव इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सेम क्वेश्चन फिर दोबारा से रिपीट हुआ है क्लासिफिकेशन पूछी गई है स्टूडेंट्स और एप्लीकेशन पूछी गई है फिर उसके ठीक पिछले साल में सेमेस्टर फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन फिर दोबारा से आया लिक्विड क्रिस्टल्स का कॉन्सेप्ट बताइए लिक्विड क्रिस्टल्स के बार बारे में कंप्लीट बताना है इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन डेफिनेशन सब कुछ बताना है और क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड मैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ठीक है तो यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ठीक है ना और लिक्विड क्रिस्टल है क्या देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है लिक्विड क्रिस्टल्स एल सीस यानी कि लिक्विड भी है और क्रिस्टल्स भी है राइट यानी कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी और क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज भी दिखाने वाले ऐसे केमिकल ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की शो करते हैं जैसे लिक्विड को हम फ्लो कर देते हैं फ्लूडिटी होती है बिस्कॉसिटी होती है सर्फेस टेंशन होता है और क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी यानी कि अनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज अनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज वो होती है स्टूडेंट्स के क्रिस्टल्स में से जब लाइट पास करते हैं ठीक है ना यानी कि ऑप्टिकल बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है क्रिस्टल्स की जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं लाइट को पास करते हैं तो इट विल यानी विल्विड एंड सॉलिड क्रिस्टल्स तो, आ, दोज दोज तो उस लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स देखिए लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्लूडिटी विस्कॉसिटी सरफेस टेंशन इसी तरह से जो क्रिस्टल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं तो क्रिस्टल्स की वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम एन ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं तो ऐसे सॉलिड मटेरियल को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं देखिए पैरा एजॉक्सी एनिसोल वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है पैरा एजॉक्सी एनिसोल जिसका लिक्विड क्रिस्टलाइन टेम्परेचर रेंज जो होती है वो डिफरेंट अदर अदर के इन कंपेरिजन डिफरेंट होती है देखिए लिक्विड क्रिस्टल्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को क्लासीफाई करते हैं हम दो पैरामीटर पर एक तो टेम्परेचर बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं टेम्परेचर का मतलब होता है हीट हम लिक्विड क्रिस्टल्स को दें तो वो क्या होता है मेल्ट हो जाता है यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ क्लास ऑफ दी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिसको हम हीट करेंगे तो क्या हो जाते हैं मेल्ट हो जाते हैं मेल्ट हो है, होने के बाद में वो क्या हो जाता है क्लाउडी अपीयरेंस आ जाता है यानी कि धुंधला माना जाता है और फिर उसको और ज़्यादा हीट करते हैं स्टूडेंट्स तो और ज़्यादा हीट करने के बाद में क्या हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स को हम थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स कहेंगे लायोट्रॉपिक क्या होते हैं कुछ क्लास ऑफ दी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जैसे लॉन्ग चेन सेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें हम वाटर डालते हैं यानी कि सॉल्वेंट डालते हैं सॉल्वेंट डालकर उसको मिला दें हम अच्छी तरह से तो मिलाने के बाद में क्या होता है वो ट्रांसपेरेंसी यानी कि क्लाउडी अपीयरेंस आ जाता है फिर कुछ देर बाद में क्या हो जाता है फिर और ज़्यादा लिक्विड सॉल्वेंट उसके अंदर एड करते हैं तो क्या हो जाता है क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाता है तो ऐसे यानी कि कंसंट्रेशन इफेक्ट से बनाते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल्स तो उसको कहते हैं लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स ठीक है तो थर्मोट्रॉपिक क्या है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड क्रिस्टल्स फेजेस एज द टेपरेचर इन चेंजेस टेम्परेचर को चेंज करके लिक्विड क्रिस्टल्स को बनाना ठीक है ना ऑर्गेनिक मटेरियल को लिया राइट एग्जाम्पल्स <coughs> क्या है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कोलेस्ट्रील बैंजोइ पैराजॉक्सी एनिसोल है पैराजॉक्सी फिनोलेट है दीज आर दी वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दी लिक्विड की होता क्या है लिक्विड स्ट्रेस में कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं राइट ऑर्गेनिक मटेरियल को लिया इसको हीट करा यानी कि टेम्परेचर दिया इसको टेम्परेचर देने के बाद में क्या हुआ क्लाउडी अपियरेंस आ जाता है क्लाउडी अपियरेंस का मतलब हो गया मीजोफेस मीजो फेज और ज्यादा टेम्परेचर हमने इसको दिया बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर तो क्या हो जाता है क्लियर लिक्विड बन जाती है तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे सॉलिड मटेरियल को हम कह देंगे लिक्विड क्रिस्टल्स तो इसी तरह से थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स एग्जिस्ट इन थ्री डिस्टिंग फेजेस तीन तरह के होते हैं ठीक है ना

तो मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें देखिए निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स को अगर हम समझे, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पैरल टू ईच अदर इस तरह से होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल और ये क्या होते हैं जब इसको फ्लो कराते हैं हम ठीक है इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं और जब इसको टेम्परेचर यानी कि हीट देते हैं हम तो ये क्या हो जाते हैं बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ये क्या होने लगते हैं फ्लो होना शुरू हो जाते हैं यानी कि ये स्टीडी और ये फ्लो भी ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स के क्या होते हैं एक लेयर इस तरफ से फ्लो होगी तो दूसरी लेयर क्या होती है ठीक इसके नीचे से आगे की तरफ स्लिप होती है तो दो तरह की चीज होती है एक तो डायरेक्शन यहां की तरफ जो फ्लो होता है तो ये क्या होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो लिक्विड क्रिस्टल्स जब फ्लो होता है तो यहां की तरफ आगे की तरफ मॉलिक्यूल भागते हैं तो क्या होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो और ये होता है पोजिशनल ऑर्डर तो दो चीजों से जाने जा, जाना जाता है अगर लिक्विड क्रिस्टल्स का लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स फ्लो करने के लिए क्या, आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है तो ये क्या होंगे पैरेलली फ्लो होते हैं और लेकिन जब ये फ्लो होते हैं तो उनकी पोजीशन जो पहले यहां थी अब वो शिफ्ट होकर कहां आ जाते हैं आगे आ जाते हैं यानी कि पोजीशन उनकी चेंज हो जाती है देखिए जब दो लाइनें एक साथ में चल रही है स्टूडेंट्स की दो लाइनें एक साथ में चल रही है तो क्या होगा कभी तो वो इस साइड में खड़े खड़े होंगे और फिर थोड़ी देर बाद में जाकर क्या यानी कि उनकी पोजिशन चेंज हो जाती है लेकिन सब लाइन में फ्लो हो रहा है तो इस तरह से निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं आगे की तरफ फ्लो होते हैं ठीक है दे पॉइंट टू द सेम डायरेक्शन उनकी डायरेक्शन तो सेम रहती है लेकिन स्टॉप स्टार्ट एंड स्टॉप इन द डिफरेंट डायरेक्शन वो जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है डायरेक्शन तो सेम होती है उनकी लेकिन जहां से वो स्टार्ट करा और जहां पर उनकी एंडिंग हुई ठीक है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है डिफरेंट पोजिशन पर होती है लिक्विड क्रिस्टल्स की मॉलिक्यूल इन निमेटिक फेज पॉजिज एनएफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इनके बीच में इनफ एनएफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो एक दूसरे से दूर नहीं भागते ठीक है ना अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा दूसरा भी आगे बढ़ रहा है दूसरी लाइन भी आगे बढ़ेगी इस तरह से मॉलिक्यूल की लाइन क्या होती है आगे बढ़ती चली जाती है इसका एग्जाम्पल क्या है पैराइजॉक्सी एनिसोले पैरामिथोक्सी सिनेमिक एसिड कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होता है देर स्ट्रक्चर इज जस्ट रिजेंबल टू तो दैट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो होता है कोलेस्ट्रॉल एक भी एक केमिकल कंपाउंड का नाम है जो कि ब्लड में ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है तो वो बीपी वगैरह को हाई करता है कोलेस्ट्रॉल तो उसी तरह का उसके जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है कोलेस्ट्रियल बैंजोएड का होता है देयर स्ट्रक्चर कैन बी इसका जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है खुद लिक्विड क्रिस्टल्स नहीं होता लेकिन उसके स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर लिक्विड क्रिस्टल्स का होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का होता है उससे कोलेस्ट्रियल बैंजोइ कोलेस्ट्रियल लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया जाता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्विस्टेड निमेटिक स्ट्रक्चर की तरह से होता है ट्विस्टेड का मतलब होता है जैसे निमेटिक की एक लेयर एक प्लेन को दूसरे प्लेन से क्या कर दिया ट्विस्ट कर दिया यानी कि मोड़ दिया तो इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है जस्ट ट्विस्टेड निमेटिक स्ट्रक्चर यानी कि कोलेस्टेरिक का जो स्ट्रक्चर होगा कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है क्या कैसा होता है स्टूडेंट ट्विस्टेड फॉर्म में होता है यानी कि ट्विस्टेड का मतलब हो गया डिफरेंट प्लेन अगर हम ले अलग अलग प्लेन ले तो हर एक प्लेन जो डिस्क्राइब करेगा बताएगा वो कैसा होगा निमेटिक स्ट्रक्चर होगा लेकिन वो कैसा होगा जस्ट लाइक like ट्विस्टेड फॉर्म होगा यानी कि एक अगर देखें हम तो वो कैसा होगा निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह से दिखाई देगा लेकिन अगर हम इसको ट्विस्ट कर दें यानी कुछ एंगल पर इसको मोड़ देते हैं स्टूडेंट्स मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस साइड में फिर क्या होगा ये जब मुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाती है इनकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस साइड में हो जाती है स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहां हो जाएगी इस साइड में हो जाएगी इनकी फिर ये क्या हो जाती फिर ये इस साइड में आ जाती फिर इसको मोड़ दिया जाता है तो हर एक प्लेन जो होगा जस्ट लाइक निमेटिक राइट इसकी डायरेक्शन फ्लो इस साइड में हो गई इसकी डायरेक्शन फ्लो इस साइड में हो गई इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस साइड में हो गई राइट right? और ये वाला क्या हो जाता है बिल्कुल 180 डिग्री प्लेन ट्विस्ट हो जाता है यानी कि एक एक प्लेन को अगर हम देखें तो वो कैसा दिखाई दे रहा है निमेटिक की तरह से दिखाई दे रहा है सब प्लेन पैरल मॉलिक्यूल से और क्या हो रहा है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं ठीक है ना अगर उनको कुछ एंगल से मोड़ देते हैं ट्विस्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर जो बनकर तैयार होता है ये क्या होता है ट्विस्टेड निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स राइट तो हर एक प्लेन तो जस्ट लाइक अ निमेटिक स्ट्रक्चर लेकिन पूरे सारे प्लेन को अगर हम देखते हैं तो हर एक प्लेन जो होता है कुछ एंगल से मुड़ा हुआ होता है जैसे कि रस्सी को पकड़कर आपने मोड़ दिया हो ठीक है ना इस तरह से स्ट्रक्चर होता है तो इसको कहते हैं ट्विस्टेड निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स तो और इसी को कहते हैं कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स तो ट्विस्टेड निमेटिक स्ट्रक्चर दे हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दिमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स ईच प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्विस्टेड हर एक प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होते हैं कुछ एंगल से ट्विस्टेड होता है यानी कि घुमा हुआ है रिलेशन टू दी प्लेन अबव और बिलो

सोप की तरह से यानी कि सोपी होता है अगर इसको आप पकड़ के जरा सा इसको हल्के से छुएंगे तो क्या होगा बिल्कुल स्मूथ ही फी, आ, फील होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ द दोजिशनल ऑर्डर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द ओरिएंटेशनल ऑर्डर इसके अंदर शो होता है राइट तो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स का तो ये हो गया अब स्मैक्टिक का देखते हैं स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स का जो है डायग्राम कैसा होगा ये भी क्या होते हैं ये पैरल पैरल ना होकर क्या होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से परपेंडिकुलरली लाई करते हैं इसके मॉलिक्यूल तो अगर मॉलिक्यूल्स आर परपेंडिकुलर टू दी मॉलिक्यूल्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ठीक है ना बट पैरेलल टू ईच अदर लेकिन पैरेलल होते हैं एक दूसरे के तो उन्हें कहते हैं स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स ठीक है ना देखिए ये प्लेन के प्लेन तो ये हो गया ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं पोजिशनल ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज होता है इसमें पोजिशनल ओरिएंटेशन ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज होता है तो इसको कह देते हैं हम क्या स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स ऑन फॉर्म बाय द परपेंडिकुलर टू तो द द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे टेंस टू द पॉइंट अलोंग टू द डायरेक्टर लॉन्ग एक्सिस तो ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल टू डिफरेंट डायरेक्टर ठीक है ना ईच अब इसमें मॉलिक्यूल्स आप पैरल टू इच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पैरल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर टू प्लेन होते हैं लाइट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स, <coughs> ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं कहते हैं लिक्विड क्या होते हैं सॉल्वेंट डालते हैं जैसे कि पानी हमने डाल दिया उसको जरा सा हिलाया तो क्या हो गया सॉल्वेंट और बढ़ा देते क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाते हैं तो इसीलिए वो कंसेंट्रेशन जिस पर लिक्विड क्रिस्टलाइज स्टेट अचीव होती है उसे कहते हैं क्रिटिकल कंसेंट्रेशन ठीक है ना तो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि लॉन्ग कैन, पैटी एसिड्स होते हैं उसमें हम थोड़ा सा कंसेंट्रेशन डाल दें यानी कि सॉल्वेंट इसमें मिक्सअप कर दें तो ये क्या हो जाता है क्लाउडी एपियरेंस आ जाता है क्लाउडी एपियरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिसको मीजो फेस कहते हैं मीजो फेस कहते हैं फिर और ज्यादा सॉल्वेंट एड करा बियॉन्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन तो दे विल बी क्लियर लिक्विड ये क्या हो जाती है क्लियर लिक्विड होती है तो ये जो रेंज होती है कंसंट्रेशन की सी वन एंड सी टू इसे कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन ठीक है critical concentration. ना क्रिटिकल कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्वेंट को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है क्लियर लिक्विड हो जाते हैं लिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइसोट्रॉपिक लिक्विड अभी आइसोट्रॉपिक लिक्विड बन जाते हैं एग्जाम्पल इसका लॉन्ग चेन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं राइट एप्लीकेशन क्या है देखिए लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन बहुत सारी है कैलकुलेटर्स में डिस्प्ले बनाए जाते हैं कैलकुलेटर्स के डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स क्लॉक्स के डिस्प्ले में आप देख सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मल्टीमीटर्स में ये यूज होता है डाटा आउटपुट इक्विपमेंट में यूज होता है मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले जो होती है वो भी किसकी होती है स्टूडेंट्स लिक्विड क्रिस्टल्स की होती है लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन इन सब की डिस्प्ले जो आप देखते हैं क्या होते हैं एल आप यूज़ करते हैं लैपटॉप्स वगैरह में कंप्यूटर्स में ठीक है ना तो वो सब किसकी होती है लिक्विड क्रिस्टल्स की बनी होती है सिग्नल डिस्प्ले सिग्नल बोर्ड में जो डिस्प्ले होता है ट्राफिक है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है पेट्रोल पंप के इंडिकेटर्स है उन सब में लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है एनालॉग डिस्प्ले यानी कि एनालॉग का मतलब होता है सिग्नल को कैच करना और डिस्प्ले पर चीज़ों को दिखाना तो ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया इंस्ट्रूमेंट्स ब्लड प्रेशर को चेक करना ठीक है ना उसका डिस्प्ले थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर टीवी चैनल इंडिकेटर्स में यूज करता है इसको पीएच मीटर्स में कंडक्टोमीटर पोटेंशियोमीटर बहुत जगह यूज होने वाले लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं लार्ज एरिया पिक्चर डिस्प्ले फॉर मेकिंग बड़ी बड़ी जो एलसीडीज होती है उसमें जो लिक्विड क्रिस्टल जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होता है वो लिक्विड क्रिस्टल का डिस्प्ले बनाया जाता है इमेज कन्वर्टर के लिए लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं जैसे कि एक्सरे इमेज कन्वर्टर है लार्ज स्क्रीन प्रोजेक्टर्स वगैरह नाइट विजन इक्विपमेंट रात में दिखाई देने वाली चीजें जो होती है क्या होता है जब टेम्परेचर जब लाइट इस पर गिरती है तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होने लगते हैं चमकने लगते हैं तो इसलिए नाइट विजन इक्विपमेंट में भी यूज कर दिया जाता है लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूजिंग एक्सटेंसिवली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी लिक्विड क्रिस्टल का यूज है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज होता है स्टूडेंट्स कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत जगह लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है लिक्विड क्रिस्टल्स मेकअप की तरह से मेकअप रिमूवर की तरह से यूज करते हैं लिपस्टिक में यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल लिप ग्लासेस में यूज किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स और ये सारे जो होते हैं कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करने वाले लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स पॉलीमर्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसकी बहुत हाईली है जैसे कि पॉलिएस्टर लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं ये क्या होता है फायर रेजिस्टेंस क्लोथ को बनाने के लिए यानी कि ड्रेसअप बनाने के लिए किया जाता है कोटिंग के लिए यूज किया जाता है मल्टी फाइबर बनाने के लिए ऑप्टिकल केबिल्स बनाने के लिए इस लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज कर करते हैं ठीक है ना क्योंकि इसमें लो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज यूज होता है आ, सरफेस पर लगाने के लिए यानी कि स्किन की सरफेस पर लगाने के लिए यूज किया जाता है ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उसको हम बचा सके यूज दी लोकेट और दूसरी चीज ये कि जब कोलेस्टोरिक लिक्विड किस्ट को कहीं पर स्किन पर लगाते हैं तो क्या होता है ब्लड विन्स दिखाई देने लगती है यानी कि ब्लड दिखाई देने लगता है विंस में जाता हुआ जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है तो वो लिक्विड की जो 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 सेंसर होते हैं उसको लगाने से पहले क्या होते हैं थोड़ा सा मसाज कर देते हैं किसका लिक्विड क्रिस्टल्स यानी कुछ क्रीम का आ, मसाज कर दिया जाता है तो वो क्या होती है लिक्विड क्रिस्टल्स यानी कि लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंस स्किन पर लगा दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है ब्लड वेन्स आर्टरीज इन्फेक्शन और ट्यूमर्स वगैरह जो होता है फ्लेंटा प्लेसेंटा को डिटेक्ट डिटेक्ट करने के लिए वार्म वो एरिया पूरा क्या हो जाता है वार्म हो जाता है गर्म हो जाता है जहां पर लिक्विड क्रिस्टल को लगाया जाता है और ब्लड वेन्स आसानी से दिखाई देने लगती है और अल्ट्रासाउंड आसानी से लिया

थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स एक हो गया लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स राइट अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जो कि सेकंड टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलेरीन ग्रेफाइट और फुलेरीन पर डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स ग्रेफाइट क्या होता है फुलेरीन क्या होता है दोनों के एक साथ <coughs> बताएंगे आपको एक्सप्लेन द रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो होता है एक अच्छा uh, जो कंडक्टर है और साथ साथ में लुब्रिकेंट का वर्क भी करता है यानी कि लुब्रिकेंट का मतलब होता है दो सरफेस के बीच में अगर ग्रेफाइट को ले लें ऐसा मटेरियल जो कि दो सरफेस के बीच में हम अप्लाई कर देते हैं और जब उसको स्लाइड करेंगे तो क्या होगा स्मूथनेस फील होगी यानी कि फ्रिक्शन को कम कर देता है ठीक है ना फिर यह क्वेश्चन आया था दो हजार में टू थाउजेंड में सेमिस्टर फर्स्ट में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ आया था फिर इसके बाद में टू थाउजेंड में सेकेंड सेमेस्टर में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है न के बारे में कंप्लीट नोट लिखना है डिस्कसिंग दी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड इसका प्रिपरेशन कैसे करें हम इसकी प्रॉपर्टीज बताइए और इसकी एप्लीकेशन बतानी है किसकी फुलेरीन की फुलेरीन बार बार रिपीट होता है स्टूडेंट्स क्योंकि लास्ट कुछ सेमेस्टर से हमने देखा है तो ग्रेफाइट का एक बार रिपीट हुआ है ग्रेफाइट बाकी जो रिपीट हुआ क्या कौन सा हुआ है फुलेरीन फुलेरीन का एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और वो, और वो दो बार आ चुका है स्टूडेंट्स दो हजार में सेमेस्टर फर्स्ट में

एक डायमंड होता है ग्रेफाइड होता है लेकिन ये और कौन सा आ गया तो वो है जिसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है ट्रंकेटेड आइकोसा हाइड्रन देखिये इसको आप ध्यान से पढ़ लेना ट्रंकेटेड केटेड आईकोसा हाइड्रन ज्योमेट्री अगर ये आता है क्वेश्चन तो ट्रंकेटेड एटेड आइकोसा हाइड्रन ज्योमेट्री जो होती है वो फुलेरीन की है ठीक है ना बकमिंस्टर फुलेरीन वो ज्योमेट्री जो शो करता है वो कैसी ज्योमेट्री होती है ट्रंकेटेड आइकोसा हाइड्रन ज्योमेट्री होती है ठीक है ना अब ये ट्रंक आइकोसा हाइड्रन जोमेट्री क्या होती है इसमें पेंटागनल एंडजगनल शेप होती है राइट और डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है ना तो ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर ट्रंकेटेड आइकोसा हाइड्रन ज्योमेट्री है उसका शेप इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि फुटबॉल है जैसे कि रग्बी बॉल है और उसमें पेंटागनल और हेग्जगनल शेप का दिखाई देते हैं और वो सिर्फ कार्बन का बना हुआ है तो वो क्या है फुलेरीन है तो फुलेरीन बार बार रिपीट हो रहा है देखिए दो हजार बाईस तेईस में दो हजार बाईस तेईस में सेकंड सेमेस्टर में ये आया क्वेश्चन फिर बाईस तेईस और इक्कीस uh, बाईस में और इक्कीस बाईस में दोनों सेमेस्टर में फोलेरिन फिर दोबारा से रिपीट हुआ यानी कि कई बार आ चुका है फोलेरन तो अब देखते हैं ग्रेफाइट क्या है ग्रेफाइट क्या होता है देखिए ग्रेफाइट कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है और हेक्सागोनल लेयरिंग शीट स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल लेयरिंग शीट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन ही इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट के अंदर ठीक है ना ब्लैक और ब्राउनिश कलर का मिक्सचर होता है कंप्लीटली और जो आ, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है ना स्टूडेंट्स वो हेक्सागोनल शेप जो होता है कार्बन वो एक लेयर बनाता है फिर उसके ठीक नीचे दूसरी लेयर होती है फिर उसके ठीक नीचे यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है ब्लैक और ब्राउनिश कलर का होता है और शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी तरह शो करता है इवन मेटल को भी फेल कर देता है ग्रेफाइट जब करंट इसके अंदर फ्लो कराते हैं देखिये ग्रेफाइड कहाँ देखा है आप जब पेंसिल यूज करते हैं आप से पेंसिल यूज करता आ रहा है तो नि पेंसिल उसके अंदर होती है उसके अंदर क्या होता है ग्रेफाइट होता है जब आप राइट करते हैं लिखते हैं तो क्या होता है ग्रेफाइट होता है ठीक है ना आप जो पेंसिल सेल यूज करते हैं वन वोल्ट का तो उसके अंदर जो बीच में जो इलेक्ट्रोड होता है कभी उसको फाड़ के देखा होगा सेल को तो क्या होगा बीच में जो इलेक्ट्रोड होता है वो निकाल के देखते हैं तो वो भी क्या होता है ग्रेफाइट का होता है तो ग्रेफाइड आपने सबने देखा है स्टूडेंट्स अ गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉप है और इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा हेक्सागोनल लेयरिंग शीट स्ट्रक्चर है कैसे होता है एक हेक्सागोनल लेयरिंग शीट स्ट्रक्चर को हम ग्रेफिन का नाम देंगे ब्लैक और ब्राउनिश कलर का मिक्सचर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है और साथ साथ में एक अच्छा लुब्रिकेंट भी है सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह से भी यूज करते हैं जिसको ग्रीस वगैरह में यूज किया जाता है अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को देखते हैं देखिए स्ट्रक्चर कैसा है इसका हेक्सागोनल प्लेनर लेयरिंग शीट स्ट्रक्चर हेक्सागोनल प्लेनर लेयरिंग शीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है देखिए स्ट्रक्चर वेल नॉन है बहुत ध्यान से आपको समझना है कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का तो देखिए इसको बनाने के लिए एक हेक्सागन हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें छह साइड्स होती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तो कोई एक हेक्सागन बनाए पहले फिर उससे जुड़ा हुआ दूसरा हेक्सागन इस तरह से जोड़ दें फिर उससे जुड़ा हुआ तीसरा हेक्सागन इस तरह से जोड़ दें और चौथा हेक्सागन इस तरह से यानी कि एक लेयर बना लिया आपने फिर इसके ठीक नीचे थोड़ा सा गैप करके एक हेक्सागन की लेयर और बना ले

आप डॉटेड यानी कि डार्क कर दें और कार्बन यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको कार्बन को अब ये जो डॉटेड लाइन आपने मिलाई है इसको ये वाले डॉटेड लाइन को इससे मिला दे इस वाले डॉट को ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला दे और ये जो नीचे वाला इसको नीचे वाले से मिला दे ठीक है ना ऊपर वाला है इसको ऊपर वाले से मिला दे और साइड वाला है साइड वाले से मिला दे तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट अब इसमें होता क्या है देखिए ये एक जो लेयर है इसे कहते हैं ग्रेफिन लेयर कार्बन 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 एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यानी कि हेक्सागन शेप बनाते हैं अगर हम बीच वाले एक कार्बन को टारगेट करें तो एक कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना रहा है एक दो तीन बना रहा है ठीक है ना ठीक इसके नीचे में क्या है ये डबल बॉन्ड बना हुआ है और इससे जुड़ा हुआ फिर ठीक नीचे वाला कार्बन है तो हर एक कार्बन जो है एस पी टू शो करता है ठीक है ना ग्रेफाइट यानी कि कार्बन इसके अंदर छ होते हैं दो और चार इस तरह से ठीक है ना तो इसमें चार क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये चार क्या होंगे वन एस टू टू एस टू टू पी टू तो ग्राउंड स्टेट में ग्रेफाइट क्या होता है ग्रेफाइट का जो कार्बन होता है ग्राउंड स्टेट पर जो बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर इस तरह से होते हैं वन एस में दो इलेक्ट्रॉन टू एस में दो इलेक्ट्रॉन टू एस में दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और टू पी में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन इन ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में कार्बन ये होता है एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन घूमकर इस वाले ब्लॉक में आ जाता है यानी कि टू पी ब्लॉक में आ जाता है तो इस तरह से ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है चार इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं टू एस टू पी टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जेड टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जेड फोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स ग्रेफाइट के पास में यानी हर एक कार्बन के पास में चार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक यहां खर्च हो गया एक यहां खर्च हो गया एक यहां खर्च हो गया और चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है ठीक इसके नीचे वाली लेयर यानी कि सेकंड ग्रेफिन लेयर में ग्रेफिन लेयर सेकंड में सेकंड कार्बन से में जुड़ा हुआ होता है ठीक है ना फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो ये दो तरह के बॉन्ड रिप्रेजेंट होते हैं एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो कि वीक स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में और एक होता है वीक बॉन्ड वीक बॉन्ड जो कि दो लेयर के बीच में होता है ड्यू टू ये होता है ड्यू टू वीक वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्स ये कमजोर होता है बहुत ही कमजोर होता है बॉन्ड तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराते हैं ना करंट जैसे ही फ्लो कराते हैं ये बॉन्ड क्या होता है बीच वाला क्या हो जाता है ये ब्रेक हो जाता है टूट जाता है और प्लैंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं यहां पर और यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफिन लेयर को अवेलेबल हो जाते हैं और जब ल, कार, जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या होता है ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है करंट को फ्लो आसानी से करा देता है ठीक है ना तो इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं एक तो हेक्सागोनल बॉन्ड्स होता है कार्बन कार्बन के बीच में जो कि लेयर के बीच लेयर के अंदर होता है ये स्लिपरी लेयर भी होती है ये कैसी होती है स्लिपरी लेयर होती है जो कि एक दूसरे पर स्लिप करके चलती है ठीक ना और दूसरा क्या होता है दो लेयर के बीच में वीक बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड ड्यू टू द वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जल्दी से टूट जाता है बस एक यही रीजन है कि ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर और एक अच्छा लुब्रिकेंट हो जाता है देखिए ये स्लिपरी लेयर है दूसरी स्लिपरी लेयर ये हो गई ठीक है ना जैसे ही आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है लेयर स्लाइड कर जाती है बॉन्ड टूट जाते हैं और टूटने के बाद में लेयर क्या हो जाती है एक दूसरे पर फिसलना शुरू कर देती है और इस तरह से ग्रेफाइट क्या हो जाता है एक अच्छा लुब्रिकेंट भी बन जाता है राइट right? तो इसको कंप्लीटली देखने के लिए देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेफाइट की ग्रेफाइट शो गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मीन इट कैन फ्लो करंट ये आसानी से करंट फ्लो करा देता है प्लेटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं स्टूडेंट वेन कनेक्ट टू दी बैटरी बैटरी आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में जैसे ही रखते हैं वीक बॉन्ड जो कि लेयर के बीच में होता है जैसे कि मैंने अभी बताया वो टूट जाता है और उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जो कि की लेयरिंग शीट स्ट्रक्चर है का मतलब हो गया कि हर एक कार्बन छह छे बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है यानी कि हेक्सगनल शेप में प्रेजेंट होता है और वो जो होता है हर एक हेक्सागन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ठीक है ना तो वीक बॉन्ड होता है दो लेयर के बीच में दो लेयर के बीच में क्या हो जाता है वीक बॉन्ड होता है जैसा कि मैंने ये बताया ये वीक बॉन्ड टूट जाता है और प्लैंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं और वो क्या होने, होने लगते हैं भागना शुरू कर देते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं इसी तरह से ग्रेफाइड एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है प्लैंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री टू मूव एंड दस रेस्पॉन्सिबल टू फ्लो द करंट बहुत ही ईजिली आप इसको समझ में आ जाएगा ग्रेफाइट में एक कार्बन ये क्या हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है ठीक है ना दूसरा जो चार तीन इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ गए चौथा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है यहां पर जुड़ा हुआ होता है क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाता है टूट जाता है ठीक है ना तो क्या हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं जो कि कार्बन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मूव करने के लिए अब लुब्रिकेंट क्यों है लुब्रिकेंट इसलिए इसलिएफाइड क्योंकि इसके अंदर स्लिपरी लेयर होती है स्लिपरी लेयर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या हो जाती है स्लाइड हो जाती है वेन मैकेनिकल फोर्स अप्लाई जब आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं वीक बॉन्ड ब्रेक्स वीक बॉन्ड टूट जाते हैं लेयर, लेयर क्या हो जाती है एक दूसरे के ऊपर फिसल कर चलना शुरू कर देती है और फ्रिक्शन कम कर देता है ग्रेफाइट ठीक है ना इसलिए हैवी मशीनरी टूल में इसका यूज करते हैं दस इट इज अ गुड लुब्रिकेंट इसलिए इसको अच्छा एक अच्छा लुब्रिकेंट भी कहते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट से स्टूडेंट फाइड और हैवी मशीनरी टूल्स में यूज करते हैं इसका जो होता है सेकेंड आता है फुलेरीन फुलेरीन क्या होता है बक मिस्टर फुलेरिन बक मिस्टर फुलेरिन क्या होता है कार्बन का एलेक्ट्रॉप है और इसकी जो ज्योमेट्री है स्टूडेंट्स वो हमेशा याद रखनी है आपको ट्रंककेटेड आइकोसाहाइड्रन ज्योमेट्री होती है इसकी ट्रंकटेड आइकोसाहाइड्रोन ज्योमेट्री होती है फुलेरीन इज वन ऑफ द एलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन फुलेरीन जो होता है एक इंपॉर्टेंट एलेक्ट्रॉप है कार्बन का अदर एलेक्ट्रॉप ग्रेफाइट और डायमंड्स होते हैं ठीक है ना ये सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल एलेक्ट्रॉप है यानी कि बनाया जाता है लैब और और लैब्स वगैरह में इसको बनाया जाता है और किससे बनता है ग्रेफाइट से ही बनता है फुलेरीन ठीक है ना डायमंड एंड ग्रेफाइड इट वॉज डिस्कवर्ड इसको डिस्कवर किया गया था अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्रेटो स्मेले एंड उनका ग्रुप ने नाइनटीन में इसको डिस्कवर किया गया था और ये डिस्कवर कैसे हुआ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था लेजर वेपराइजेशन ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइड को रखा गया उसको लेजर बीम डाली गई और इनर्ट एटमोस्फेयर में उसको रखा गया तो ग्रेफाइट्स में जब वेपराइज हुआ वो ग्रेफाइट जब वेपराइज होकर जब वेपर बनकर ऊपर उड़ा ग्रेफाइट तो उसमें बहुत सारे कार्बन के एटम एक साथ में जुड़े हुए थे कहीं पर देखा गया कि 60 कार्बन एक साथ में जुड़े हुए हैं कहीं पर 72 कार्बन एक साथ में जुड़े हुए तो वो जो मिक्सचर जो वेपराइज मिक्सचर निकल कर आया था उसको एक सॉल्वेंट uh, के अंदर डीप किया गया राइट सॉल्वेंट को डीप करने के बाद में उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफिकल मेथड से ये चेक किया गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी तो क्या हुआ कि बहुत सारे मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया कि किसी ग्रेफाइट uh, में से जो वेपर निकल कर आई थी कहीं पर तो सिक्सटी मॉलिक्यूल एक साथ थे कार्बन में कहीं पर सेवेंटी कहीं पर सेवेंटी मॉलिक्यूल एक साथ में थे तो इस तरह से जब उनकी ज्योमेट्री देखी गई ठीक है ना क्राइटोसमेले और उनके ग्रुप ने तो ये देखा गया कि वो मॉलिक्यूल बड़े ही आ, बहुत ब्यूटीफुल्ली वो चमक रहे थे स, बहुत ही ज्यादा पोज हो रहे थे और उनकी ज्योमेट्री कहीं पर तो ऐसा दिखाई दे जैसे कि फुटबॉल के शेप जैसी थी सॉकर बॉल जैसी थी ठीक है ना जिसमें हेक्सागोनल पेंटागोनल शेप दिखाई दिए दे, दे, देते हैं इसी तरह से कहीं पर रग्बी बॉल जैसा शेप दिखाई, दिखाई दिया था तो उसको आ, लेजर वेपराइजेशन और ग्रेफाइट रॉड से ग्रेफाइट रॉड को लेजर वेपराइजेशन से किया गया प्रैक्टिकल अंडर हाई हाई वैक्यूम वैक्यूम के अंदर रखकर उसको जलाया गया ग्रेफाइट को वेपराइजेशन हुआ और वहां से उसको कलेक्ट किया गया किसको फुलेरीन को द मास स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ वेपराइज कार्बन शो प्रेजेंस ऑफ कार्बन हैविंग क्लस्टर ऑफ सी सिक्सटी कार्बन मास स्पेक्ट्रोग्राफ से इसको विजुअलाइज किया गया तो ये देखा गया है कि उसमें क्लस्टर ऑफ कार्बन कंपाउंड निकल कर आए क्लस्टर ऑफ कार्बन कंपाउंड का मतलब होता है कहीं पर कहीं पर तो सी सिक्सटी कार्बन साठ कार्बन एक साथ में सिक्सटी कार्बन कहीं पर सेवेंटी कार्बन एक साथ में कहीं पर 78 कार्बन तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे ठीक है ना क्लस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर था जैसे कि पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बना रखा था कार्बन कार्बन ने ठीक है ना कहीं पर 60 कार्बन से वो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था कहीं पर 70 कार्बन से कहीं पर 78 कार्बन से तो इनको नाम दिया गया क्या फुलेरीन फरीरिन जिसका सिक्स सिक्सटी फुलेरिन क्या होता है स्टेबल फुलेरीन है ये जल्दी से टूटता नहीं है स्फेरिकल शेप होता है बिल्कुल गोलाकार होता है स्फेरिकल शेप होता है कार्बन आइटम जो होते हैं इसके अंदर फ्लेरीन में आर सरफेस ऑन दिसर के सरफेस पर होते हैं इसलिए इसको बकी बॉल्स का नाम दिया जाता है बकी बॉल्स का मतलब होता है बक मिस्टर बॉल्स अब इसको देखिए इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें बक मिस्टर फुलेरीन के तो बक मिस्टर फुलेरीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ठीक है ना सी सिक्सटी फुलेरीन मेन आता है एग्जाम में सी सिक्सटी फुलेरीन इसमें होता क्या है इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक हेक्सागन को ड्रॉ करें राइट? उससे जुड़ा हुआ एक और करना है, तो दो नीचे एक हेक्सगन और ड्रॉ किया फिर उसके ठीक बराबर में एक पेंटागन जोड़ दिया यानी कि पांच साइड से एक साथ में जुड़ी हुई होगी और हर एक वर्टेक्स को डॉट यानी के टार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे यानी कि वो सब क्या रिप्रेजेंट होगा कार्बन होगा तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर यानी कि इसके अंदर एक तो होता है हेक्सागन शेप होता है हेक्सागन का मतलब होता है कार्बन कार्बन इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि वो हेक्सागन यानी कि छह साइड्स यानी कि छह

इस फेरस से जोड़ दिया जाए जो बाहर निकले हुए अंदर वाले को छोड़ दे जो बाहर निकले हुए उसको इस सर्कम से जोड़ दिया जाए अंदर वाले को छोड़ दे ये वाला ये वाला इसे छोड़ दे ठीक है ना अब जहां पर आपने जोड़ा है वहां पर भी एक डॉट रिप्रेजेंट कर दे ताकि ये क्लियर हो जाए कि यह क्या है बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहां पर हमने चार स्ट्रक्चर चार पेंटेगनल और हेक्सगनल शेप से एक फ्लेरिन बनाया ये हेक्सागन है और ये क्या है पेंटागन है इसमें हेक्सागन जो होते हैं वो होते हैं ट्वेंटी पेंटागन होते हैं फिफ्टीन ट्वेल्व पेंटगन इसके अंदर होते हैं राइट ट्वेल्व पेंटगन होते हैं और हेक्सागन इसमें जो फेसेस होते हैं इसमें तो बीस प्लस बारह यानी कि थर्टी टू फेसेस होते हैं बत्तीस फेस से ही बना होता है फुलरीन राइट और इसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स भी आपको शो करने होंगे क्योंकि हर कार्बन की चार वैलेंसी होती है तो डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यहां लगा दे एक इधर लगा दे एक इधर लगा दे ठीक है ना सेकंड वाले में देखिए इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो इसको हम नीचेड़ेंगे इस वाले कार्बन को फिर तो इधर लगा दे और इधर लगा दे इसी तरह से यहां पर देखें एक इधर लगा दें और एक इधर लगा दे डबल बॉन्ड्स तो यहां पर इस तरह से चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये बन गया आपका फुलेरीन का स्ट्रक्चर कि जो कि स्फेरिकल इन साइज होता है स्फेरिकल इन शेप होता है राइट डिटेल में पढ़ने के लिए पिछले लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड करा रखे हैं वहां से आप देख सकते हैं तो प्रॉपरली नॉन एज दक बकमिस्टर फुलेरीन इसको बकमिस्टर फुलेरीन का नाम दिया जाता है अमेरिकन आर्किटेक्चर ने इसको नाम दिया था अमेरिकन आर्किटेक्चर के बेस पर इसको नाम दिया गया बक मिस्टर फुलेरिन तो अमेरिकन अमेरिका में एक आर्किटेक्चर हुआ करता था वो अपने डिजाइन में पेंटेगनल और हेक्सागनल शेप को इंक्लूड करता था वो डोम के स्ट्रक्चर को बनाता था तो आर्किटेक्चर था बड़ा फेमस था तो जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई कि इसमें देखा गया कि पेंटेगनल और हेक्सागनल रिंग्स दिखाई दे रहे तो उसी को ध्यान में ले लेते हुए इसका नाम क्या रख दिया गया बक मिस्टर फुलर फुलेरिन रख दिया गया वो डिज़ाइन दे जो डेसिक डॉम बेस्ड ऑन दी हेक्जगन एंड पेंटेगनल ठीक है ना 60 फुलेरीन का जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया था ट्रंकेटेड आइकोसाइड्रोन ज्योमेट्री होती, होती ट्रंकेटेड्रोन आएको, ज्योमेट्री कह देते आएको, हैं इसमें क्योंकि इसके अंदर हेक्सागनल और पेंटागनल शेप होते हैं इसको टेड इसको कौसा हाइड्रोजन जोमेट्री कह है देते हैं इसमें ट्वेंटी होते हैं और बारह इसमें पेंटागन कार्बन को ईच एज ऑफ पॉलीगन इज बेस्ड ऑन बिटवीन द कार्बन एटम ठीक है ना बत्तीस फेस होते हैं है? 32 होते है इसमें बत्तीस कैसे हो गए बीस और बारह टोटल मिलाकर कितने हो गए बत्तीस हो गए ट्वेंटी हेक्सागन हो गए बारह पेंटागन हो गए हर, हर एक शेप में कार्बन एक साथ में जुड़ा हुआ होता है ठीक है ना तो इसमें हेक्सागन बीस हो गए हेक्सागन शेप कैसा बताया मैंने कि छह साइड्स एक साथ में जुड़ी हुई है हर एक कोने में क्या होगा हर एक वर्टेक्स कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना तो हेक्सागन इसमें कितने हो गए इसमें बीस हो गए पेंटागन इसमें बारह हो गए हो जाते हैं तो ये पेंटागन शेप होता है ठीक है ना पांच साइड से जुड़ा हुआ शेप तो ये पेंटगन शेप होता तो हो हो है तो हेक्सागन इसमें बीस हो गए और पेंटागन इसमें बारह हो गए नाइनटी एजेस होते हैं सिक्सटी एजेस बिटवीन फाइव मेंबर रिंग और सिक्स मेंबर रिंग यानी कि जो लाइनें होती, होती है ना ये एजेस जो होते हैं कितने हो गए टोटल नाइन्टी हो गए साठ तो हो गए पांच मेंबर रिंग और छह मेंबर मेंबर रिंग के बीच में जबकि तीस एज जो हो गए वो बिटवीन सिक्स मेंबर रिंग के बीच में हो जाते हैं क्योंकि हेक्सागन ज्यादा है राइट विद द कार्बन कार्बन आइटम एंड ऑफ पॉलीगन एंड बॉन्ड अलोंग द ईच पॉलीगन वंडर सेम डायमीटर जो होती है इसकी यानी कि जो फोलेरिन बनता है ठीक है ना इसकी जो वंडर वरवल डायमीटर जो होती है ये वाला डायमीटर ये क्या होता है वन पॉइंट जीरो वन नैनोमीटर होता है द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डायमीटर सी सिक्सटी मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डायमीटर जो होता है जीरो पॉइंट सेवन वन नैनोमीटर होता है राइट right? तो ये आपका फुलरीन हुआ स्टूडेंट्स फुलेरीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है सी सिक्सटी की प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली क्या होता है सेमी कंडक्टर होता है अगर इसको इसके बीच में होलो स्पेस होता है बीच में खाली जगह होती है फुलेरिन के ये क्या होता है होलो स्पेस होता है और यहां पर चारों तरफ क्या होते हैं कार्बन कार्बन जुड़े हुए होते हैं इसके सरफेस पर बीच में होली स्पेस होता है तो यहां पर सोडियम और पोटेशियम से क्या कर सकते हैं इसको डॉप कर सकते हैं और डॉप करके इतनी जगह होती है कि सोडियम पोटेशियम से डॉप हो सकता है तो एम थ्री सी सिक्सटी यानी कि सी सिक्सटी के साथ में कोई मेटल क्या होता है इसके अंदर डॉपिंग के जरिए डाल दिया जाता है सोडियम या पोटेशियम तो ये बन जाता है सुपर कंडक्टर सेमी कंडक्टर तो होता ही होता है लेकिन जब इसको डॉप कर देते हैं तो क्या बन जाता है कंडक्टिविटी बहुत अच्छी शो करने लगता है मस्टर्ड कलर का होता है सरसों के दाने जैसा कलर होता है सी का पुअर एरोमेटिक नेचर होता है सी सिक्सटी का जो स्ट्रक्चर होता है स्पेरिकल होता है ठीक है ना गोलाकार होता है इट इज होलो बीच में से खाली होता है जबकि सी सिक्सटी का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है जबकि अदर जो बड़े फुलेरिन होते हैं सी सेवेंटी टू सेवेंटी एट का इनका रग्बी बॉल जैसा शेप होता है रग्बी बॉल जैसा शेप होता है, ठीक है ना इसका कैसा होता है जस्ट लाइक अ सॉकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पेंटेगनल रेक्सिन के जो काट कर सीए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है गोल बन जाती है फुटबॉल ठीक है तो होल स्पेयर होता है जिसके अंदर कुछ आयन को ट्रैप कर सकते हैं सोडियम पोटेशियम को इसके अंदर डाल सकते हैं डॉपिंग के, के जरिए इससे क्या हो जाता है सुपर कंडक्टर हो जाता है मोर कैरेक्टर लाइक एल्किन एल्किन जैसा ही करेक्टर ये शो करता है लेकिन ज़्यादा करैक्टर शो करता है फोले अंडर वो फोटो डिसोसिएशन इस पर जब लाइट डालते हैं तो क्या हो जाता है डिसोसिएन हो जाता है ये टूट जाती है रिंग रिंग कहाँ से टूटती है देखिए पेंटेगनल रिंग जो होती है स्ट्रेन ज़्यादा होता है स्ट्रेन का मतलब होता है वो विचलन जो बॉन्ड के अंदर जो फ्रैक् जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है वहां से वो साइड क्या हो जाती है टूट जाती है तो हेक्जेगनल शेप जो होता है वो तो ज़्यादा स्ट्रेंच शो नहीं करता लेकिन पेंटेगनल रिंग क्या होती है वो जल्दी से टूट जाती है इसलिए फ़ोटो डिसोसिएशन क्या होता है रेडिएशन यानी कि इसमें करंट हम आसानी से फ्लो भी करा सकते हैं पेंटागन इन फ्लैनिन आर मोर स्ट्रेन पेंटागन में क्या होता है स्ट्रेंथ uh, ज़्यादा होती है तो इसी इसी पेंटागन साइड से ये टूट सकता है लेकिन फोटो डिसोसिएशन भी करता है यानी कि जैसे ही लाइट इस पर जा, जाती है इस, तो इस पर जाती है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवेबल होना शुरू हो जाते हैं भागना दौड़ना शुरू हो जाते हैं इसलिए क्या होता है एक अच्छा सुपर कंडक्टर बन जाता है एट हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर ब्रेक्स अगर ज्यादा देंगे तो ये क्या हो जाता है पेंटेगनल साइड से ही क्या हो जाता है टूट जाता है ठीक है ना इसलिए कंडीशन होती है कि कोई भी दो पेंटेगनल रिंग जो होता है फुलरीन के अंदर जुड़े हुए नहीं होते तो नो टू पेंटेगनल रिंग्स आर अटैच एप्लीकेशंस क्या होती है यूज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल ंडक्टिंग मेटेरियल फोटो डिवाइस में इसका यूज करते हैं सिक्स सिक्सटी पार्टिसिपेट इन दटेलिटिक एक्टिविटी कैटेलिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है ये और मेडिकल फील्ड में भी इसका फ्लोरिन का यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक एजेंट्स की तरह से सिक्सटी डायरिविटिव होते हैं इसके पोटेंशियल इनहिबिटर की तरह से वो काम करते हैं जो कि एच आई वी डिसीज में यूज होते हैं एच आई वी में जो क्योर किया जाता है इसको वैसे तो इसका कंप्लीट क्योर तो है नहीं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से रिलैक्स पहुँचाने के लिए ताकि पेशेंट को रिलैक्स हो तो उसमें थ्री सिक्सटी के डेरिवेटिव का यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्लड में बहुत तेजी से सर्कुलेट हो जाता है जहां पर मेडिसिन को पहुँचाना होता है क्योंकि मेडिसिन कैरियर भी होता है ठीक तो है ड्रग डिलीवरी के लिए भी ये यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर सोडियम पोटेशियम जैसे आयंस को ये आसानी से ले जा सकता है ठीक है ना फुलरीन आर यूज फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ किया जाता है और यूज एज सॉफ्ट फेरोमैग्नेट सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की तरह से भी यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट uh, की तरह से यूज किया जाता है क्योंकि बॉल लुब्रिकेंट यानी कि बाकी बॉल्स जो होती हैं ये क्या होते हैं स्लिपरी नेचर होते हैं ये क्या होते हैं स्लिप करते चले जाते हैं स्लो स्लाइडिंग सरफेस के बीच में अगर इसको इस तरह से रब करें तो क्या होता है स्मूथनेस फील होती है तो ये क्या होते हैं एक अच्छे लुब्रिकेंट की तरह से भी इसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स और कार्बन नैनो वायर्स कार्बन नेनो ट्यूब्स और कार्बन नैनो वायर्स की तरह से भी इसका यूज किया जाता है तो यहां पर फुलेरीन क्या होता है ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स फ्लेरिन की एप्लीकेशन क्या है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ठीक है ना इसका स्ट्रक्चर कैसा है राइट तो पेंटेगनल और हेक्सागनल रिंग से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है फुलेरिन जबकि ग्रेफाइट जो है स्टूडेंट उसमें सिर्फ आपको हेक्सागनल रिंग्स बनानी है फ्लेरिन में दोनों रिंग को जोड़कर दिखाना है ठीक है ना यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर फ्लोरिन का बना देते फ्लोरिन का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का बना देते ग्रेफाइट क्या है लेयर है इसके अंदर जबकि फ्लोरिन के अंदर पेंटेगनल और हेक्सगनल दोनों ही इंक्लूड है ठीक है ना बस ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट अब सेकंड क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर कार्बन नैनोट्यूब्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कार्बन नैनोट्यूब्स क्या होती है इसका डिस्कशन इसके एप्लीकेशन और नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं देखिए 2022-23 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम में और फिर इसके बाद में फिर टू थाउजेंड में लास्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया है नैनो मेटीरियल क्या है वॉट आर नैनो नैनो मेटीरियल क्या है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है नैनो मेटीरियल्स की वेर उनके साइज से कैसे वेरी करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दी नैनो मेटेरियल नैनो मेटीरियल की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी बताइए तो इसमें कार्बन एनोट्यूस भी नैनो मेटीरियल का एक पार्ट आता है ठीक है ना नैनो मटेरियल क्या है नैनो मटेरियल कितनी तरह के होते हैं इसको क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाता है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले हैं दो जो मैंने यहां डिस्प्ले बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन नैनोट्यूब का और नैनो मटेरियल्स क्या है ठीक है ना अब इसमें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसको नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नैनो मटेरियल ऐसे मटेरियल जो कि नैनो साइज के नैनो साइज का मतलब होता है आ, उनका किसी भी डायमेंशन से एक्स वाई और जेड किसी भी डायमेंशन से हम देखें तो वो कैसे दिखाई देंगे नैनो स्केल के दिखाई दे नैनो स्केल का मतलब होता है नैनो स्केल का मतलब होता है ऐसा साइज जो कि जीरो से तो बड़ा हो और सो से यानी कि हंड्रेड नैनोमीटर से छोटा हो तो ऐसे सारे मटेरियल स्टूडेंट्स वो सारे मटेरियल उसमें मिट्टी भी आ गई उसमें मेटल भी आ गया सोना चांदी सब कुछ आ गया कार्बन कॉपर आ गया तो वो सारे मटेरियल जिसका साइज जो है किसी भी डायमेंशन यानी कहीं से इस किसी एक साइड से भी आप देखें तो वो ये ऐसा दिखाई दे रहा हो बिल्कुल छोटा साइज दिखाई दे रहा हो और वो नैनो मटेरियल की रेंज में दिखाई देता हो यानी कि जीरो से वन हंड्रेड नैनो के बीच में दिखाई देता हो तो ऐसे सारे मटेरियल को कहते हैं हम नैनो मटेरियल तो आर मटेरियल कन्फाइंड ियलो स्केल अलोंग एनी डायमेंशन इन बिटवीन टू डायमेंड्रेडो मीटर मेटेरियल एग्जाम्पल इसके क्या है नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड यानी कि सोने को सोना जो गोल्ड कहते हैं उसको इसको, इसको नैनो स्केल में हम ले लेकर आते हैं तो उसको उसे क्या कह देते हैं नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड का नाम दे देते हैं क्ले है मिट्टी है मेटल है ठीक है ना बहुत सारे मेटल्स हो जाते हैं जिस, uh, नैनो सीट्स है नैनो बंडल्स है नैनो शीट्स का मतलब होता है नैनो साइज की जो सीट्स होती हैं ठीक है ना उनका दो डायमेंशन से तो वो क्या होती है बियॉन्ड नैनो स्केल होती है लेकिन उनकी जो मोटाई होती है वो कैसी हो जाए नैनो स्केल होती है जैसे कि एक बॉन्ड बूंद एक ड्रॉप ऑयल को आप पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है वो बिल्कुल चारों तरफ फैल जाता है ठीक है ना तो वो जो पतली लेयर बनती है ना वो अगर नैनो रेंज की अगर हो, हो जाए तो उसे कहते हैं नैनो लेयर इसी तरह से नैनो शीट्स होती है नैनो बंडल्स होते हैं नैनो क्लस्टर्स होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स भी इसका एक एग्जाम्पल है कार्बन नैनो वायर्स भी इसका, इसका एग्जाम्पल है नैनो मटेरियल का नैनो क्लस्टर्स होते हैं नैनो बंडल्स होती हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ठीक है ना नैनो मटेरियल्स के बहुत सारे होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके बेस पर हम नैनो मटेरियल को बनाते हैं ठीक है ना नैनो पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं अगर कोई मेटेरियल सभी डायमेंशन से एक्स वाई जेड ऑल डायमेंशन से अगर देखे और वो नैनो स्केल का दिखाई दे यानी कि जीरो से वन नैनोमीटर के बीच में दिखाई देता हो तो ऐसे मेटेरियल को कह देते हैं नैनो पार्टिकल्स तो दीज आर दो मटेरियल विच आर कन्फाइंड नैनो स्केल नैनो स्केल के दिखाई दे यानी कि जीरो टू वन हंड्रेड नैनोमीटर के दिखाई देते अलोंग ऑल डायमेंशन हा किसी भी डायमेंशन से देखने पर एक्स वाई जेड किसी भी डायमेंशन से देख लेते हैं तो वो कैसे दिखाई देंगे नैनो स्केल के दिखाई दे, तो देते दिखाई देते हैं नैनो पार्टिकल जैसे कि स्पेरिकल शेप है ठीक है ना गोलाकार है स्पेरिकल शेप अगर आप देखें बिल्कुल गोलाकार है तो वह एक्स वाई पर एक्स वाई या जेड किसी भी एक्सेस से आप देख लेंगे तो कैसा दिखाई देगा भाई रेडियस अगर इसकी या रेडियस अगर इसकी या डायमीटर इसका रेडियस और डायमीटर जो होता है वो जीरो से तो क्या हो छोटा हो और वन हंड्रेड से क्या हो जीरो से तो बड़ा हो और वन हंड्रेड से छोटा हो तो ऐसा इस मटेरियल को ऐसे मटेरियल को हम कह देते हैं नैनो मटेरियल और नैनो पार्टिकल की रेंज में ये आ जाता है ठीक है ना टिकल दो तो पार्टिकल्स, पार्टिकल्स विच आर नैनो स्केल इन बिटवीन द दीरोन तो हंड्रेड नैनोमीटर अलोंग ऑल अल डायमेंशन यानी कि सभी डायमेंशन से कैसे दिखाई देते हो नैनो स्केल के दिखाई देते हो वो स्पेरिकल भी हो सकता है जैसे कि मैंने अभी डायग्राम बनाकर दिखाया आपको ठीक है ना डायमीटर क्या हो जाता है जीरो से तो बड़ा हो और वन हंड्रेड नैनोमीटर से छोटा हो तो ऐसे स्पेरिकल शेप के जितने भी मटेरियल नैनो मटेरियल होंगे उन्हें नैनो पार्टिकल के देते हैं राइट इसी तरह से वो क्यूबिकल भी हो सकते हैं ठीक है ना क्यूबिकल भी हो सकते हैं तो क्यूबिकल में क्या होता है सभी साइड्स कैसी होती है आइडेंटिकल होती है राइट तो इसमें जो साइड्स हैं वो जीरो से तो बड़ी हो लेकिन हंड्रेड से नैनोमीटर से छोटी हो इसी तरह से वो क्यूबाइडल भी हो सकते हैं क्यूबाइडल में लेंथ ब्रेड और हाइट होती है स्टूडेंट्स लेंथ ब्रेड और हाइट तो लेंथ ब्रेड एंड हाइट जो होती है ये कैसी हो 100 नैनोमीटर से छोटी हो तो ये किसी भी शेप में हो सकते हैं स्पेरिकल uh, भी हो सकता है क्यूबिकल भी हो सकता है क्यूबॉडल भी हो सकता है ठीक है ना प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मेटीरियल नैनो मेटीरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है देखिए साइज इसमें वेरी करता है साइज से ही ये क्लियर होता है कि कौन किसे हम नैनो पार्टिकल्स या नैनो मेटेरियल कहें कि नहीं कहें देखिए नैनो पार्टिकल्स और नैनो मेटेरियल में डिफरेंस क्या है दोनों में नैनो नैनो मेटेरियल्स तो वो है जो कि किसी भी एक डायमेंशन से देखे तो वो क्या होगा नैनो स्केल का दिखाई देता हो यानी कि वन जीरो से वन हंड्रेड नैनोमीटर के बीच का दिखाई देता हो लेकिन नैनो पार्टिकल्स क्या है नैनो नैनो पार्टिकल्स वो पा मटेरियल से जिसका एक जो सभी से कैसा हो नैनो स्केल का दिखाई देता हो देखो साइज वेरी करता है इसमें साइज ही सबसे इंपॉर्टेंट है तो साइज कैसा होता है कन्फाइंड कंफाइंड बिटवीन द टू दीरोड नैनोमीटर अलॉन्ग एनी डायमेंशन तो उसे नैनो मटेरियल का नाम दे देंगे कलर चेंज नैनो मटेरियल जो होते हैं कलर चेंज कर देते हैं यानी कि वो नैनो स्केल में जैसे ही आएगा मटेरियल वो अपना कलर चेंज कर देता है जैसे कि गोल्ड गोल्ड का कलर गोल्डन होता है लेकिन नैनो स्केल पर इसको लेकर आते तो ये रेड टू ब्लैक दिखाई देता है सॉल्यूशन के अंदर यानी कि गोल्ड का गोल्ड कलर जो गोल्डन कलर होता है वही गायब हो जाता है देखिए इसकी कमाल की बात यह नैनो मेटीरियल की कि वो कलर चेंज कर देता है नैनो मेटीरियल ठीक है ना नैनो रेंज में आके जो एक्चुअल कलर था यानी कि नैनो मेटीरियल जो होता है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं इसका मतलब ये हुआ केमिकल प्रॉपर्टी वही रहेगी जिस मटेरियल का वो नैनो मटेरियल बनाया गया है यानी कि गोल्ड गोल्ड ही रहेगा वो सारी प्रॉपर्टीज तो अपनी शो करेगा जो कि गोल्ड की होती है नैनो साइज में लेकिन उसका कलर चेंज हो जाएगा उसका शेप चेंज हो जाएगा ठीक है ना तो ये चीजें होती है लोवरिंग द मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लोवर हो जाता है नैनो रेंज में गोल्ड पार्टिकल का जो होता है नैनो मेटेरियल का जो होता है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लोवर हो जाता है थ्री डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है फ्रॉम 2.5 पॉइंट नैनोमीटर की साइज में जबकि एक्चुअल में इसका 1064 डिग्री सेंटीग्रेड होता है देखिए इतना था और इससे कितना हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है देखिए इतना डाउन हो गया तो लोअर हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट नैनो साइज में एब्जॉर्ब गैसेज गैसेस को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए नैनो पार्टिकल का यूज किया जाता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तो फिजिकल नैनो पार्टिकल्स इजिली एब्जॉर्ब गैसेस और सरफेस एरिया रैपिडली इंक्रीज हो जाता है इसका इसलिए क्या होता है Uh, गैस को एब्जॉर्ब ज्यादा अमाउंट में करता है नैनो मटेरियल एब्जॉर्बन ऑफ लाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए नैनो साइज की जो uh, सोलर प्लेट्स हैं सोलर पैनल्स हैं वह बनाए जाते हैं रैपिडली इंक्रीज करता है क्योंकि एरिया बढ़ जाता है तो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब तेजी से करता है डिफ्यूजन रेट जब नैनो स्केल में आ जाएगा पार्टिकल नैनो मटेरियल तो क्या होगा उसको डिफ्यूज लाइट इन्वेट हो जाएगा हल्का हो जाएगा और वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा एक जगह से दूसरी दूसरी जगह आसानी से वो पहुंच सकता है तो डिफ्यूजन रेट इसका हाई हो जाता है डिफ्यूजन पार्टिकल्स रेपिडली इंक्रीजे इजी टू मेक इमल्सन इमल्सन बना हम आसानी से बना सकते हैं जो कि कोलाइडल का पार्टिकल्स का एक पार्ट होता है कोलाइड का एक पार्ट होता है इमल्सन राइट तो इमल्सन को हम आसानी से बना सकते हैं स्टेबल इमल्सन बनता है गोल्ड सोल बन, बना सकते हैं इसको हम आसानी से जैसे कि गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसका हम सोल बना सकते हैं यानी कि इमल्सन बना सकते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं नैनो पार्टिकल्स एब्जॉर्बसन हो गया ट्रांसमिशन हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ, ये सारे डायनेमिक यानी कि एक्सलेंट वे में ये शो करते हैं इसलिए नैनो रेंज में पार्टिकल्स को मटेरियल को यूज़ करना बहुत आसान होता है एक तो वेट कम हो जाता है उनका दूसरा जो आ, टोटल मास होता है वो कम यूज होता है तीसरा इजीली हैंडल किए जा सकते हैं नैनो मटेरियल्स इस तरह से

मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता लेकिन अगर उसको नैनो रेंज पर लेकर आ जाते तो वो फॉरन ही क्या हो जाता है मैग्नेट की तरफ क्या हो जाता है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है अब आता है कार्बन नेनो ट्यूब कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है कार्बन नैनोट्यूब क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट सी एन टी सी का मतलब होता है कार्बन एन का मतलब होता है नैनो और टी का मतलब होता है ट्यूब्स तो कार्बन नेनो ट्यूब इंपॉर्टेंट कार्बन नेनो ट्यूब क्या होता है कार्बन नेनो ट्यूब जो होता है नैनो मेटीरियल का ही एक पार्ट है ठीक है ना कार्बन से बना हुआ नैनो साइज का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो हर एक वर्ड से इसकी डेफिनेशन निकलकर आती है स्टूडेंट्स कार्बन से बना हुआ मटेरियल नैनो साइज का और ट्यूब लाइक -like स्ट्रक्चर यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर कहलाता है कार्बन नैनो ट्यूब ट्यूब सिलेंडरकल कैसा होता है बीच में से खाली होता है ठीक है ना सिलेंडरकल सिलेंडर क्या होता है बीच में से खाली होता है तो बीच में से ये होलो होता है खाली होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो कार्बन एन ट्यूब इज अ ट्यूब मेड ऑफ द कार्बन विद अ डायमीटर इन रेंज ऑफ द नैनो स्केल नैनो स्केल रेंज में बनने वाला मटेरियल है कार्बन से बनने वाला मटेरियल है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म भी है ये दे आर वन ऑफ वन ऑफ द ऑफ कार्बन कार्बन ही कार्बन इसके अंदर होता है कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत ही एक्सेलेंट प्रॉपर्टी शो करता है सी एन टी कार्बन एन ट्यूब बीच में से खाली होता है इट इज द होलो एंड सिलिंड्रिकल इन शेप होता है सिलिंड्रिकल शेप होता है बीच में से खाली होता है ठीक है ना एज फार एज कंसर्न इट्स विट्स इट इज अबाउट यानी कि बाल इतना छोटा इतना टाइनी शेप होता है साइज होता है कि एक बाल अगर आप ले तो उससे एक लाख गुना उसकी विट्स क्या हो जाती है कम हो जाती है यानी कि मोटाई इतनी कम हो जाती है यानी कि बिल्कुल दिखाई तक नहीं देता है ऐसे मटेरियल तो ऐसे मटेरियल को कह देते हैं हम कार्बन एनो ट्यूब ठीक है ना प्रिपेयर्ड बाय द रोलर रोल डाउन ऑफ द लेयर लेमलेसली ग्रेफिन हटा दे सेपरेट कर दे जैसे कि बहुत सारे पेपर रखे हैं एक साथ एक पेपर को हटा देते हैं फिर उसको पकड़ के मोड़ दिया सिलेंडर बन जाता है ठीक है ना तो इस तरह से ग्रेफाइट की एक लेयर को रोल डाउन करके ग्रेफिन बना को तो सीमलेसली मोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है सीएनटीज देखिए कैसे बनेगा ये एक लेयर ग्रेफाइट की है ठीक है ना इसको हमने हटाया हटाने के बाद में क्या हुआ इसको मोड़ दिया इस तरह से तो इस तरह से जब मोड़ेंगे हम तो क्या बन जाता है यह बन जाती है सी एन टी की एक लेयर को सीमलेसली मोड़ दिया जाता है तो इसको कै, कैसे बना देते हैं ठीक है ना भाई ग्रेफाइट की लेयर है ग्रेफाइट की जो लेयर है इसके अंदर हेक्सागन शेप जुड़े हुए हैं राइट इस ग्रेफाइट की लेयर को सीमलेसली मोड़ दिया जाता है मान लीजिए ये ग्रेफाइट की लेयर हमने सेपरेट की इस ग्रेफाइट की लेयर को अगर सीमलेसली मोड़ दे हम तो ये बन जाती है इसको हम रोल्ड कर दें इस तरह से मोड़ देंको रोल्ड कर दें रोल्ड सिमलेसली तो ये इस तरह से होलो ट्यूब बन जाती है इसके अंदर क्या हो जाता है इस तरह से ये रोल्ड करके और ये बन जाती है सी एन टी तो ग्रेफिन लेयर ग्रेफिन लेयर को रोल्ड करके क्या बना देते हैं हम सी एन टी बना देते हैं सी एन टीज TNT's कितनी तरह की होती है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ये दो तरह का होता है एक तो होता है सिंगल वॉल कार्बन ट्यूब एक होता है मल्टी वॉल कार्बन कार्बनोटूब सिंगल वॉल कार्बन ट्यूब जिसमें एक ही ट्यू, एक ही लेयर लेयर जो होती है एक ही लेयर क्या हो जाती है मोड़ दी जाती है यानी कि एक ही वॉल होती है एक वॉल का मतलब होता है एक ही दीवार होती है दीवार का मतलब हो गया एक ही सरफेस होता है एक ही ग्रेफिन लेयर को मोड़ के जो होता है कार्बन ने बना देते हैं तो इससे कह देते हैं सिंगल वॉल कार्बन ने मल्टी वॉल कार्बन नेनो का मतलब होता है बहुत सारे कार्बन नेनोट्यूब को

फिर उसके अंदर तीसरा डाल दें उसकी रेडियस और कम हो जाएगी तो को एक्जली जब बहुत सारी कार्बन एनो ट्यूब एक साथ में आ जाती तो वो जाती है मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब सिंगल वॉल कार्बन कार्बनो ट्यूब क्या होता है वन ऑफ दी अलट ऑफ कार्बन एट इज प्रपेयर बाय द ग्रेफिन लेयर सिमलेसली रोल्ड इन टू ट्यूब ग्रेफिन लेयर को सीमलेसली रोल्ड कर दिया जाता है ट्यूब की शक्ल में डाल दे दिया जाता है तो दूसरे कहते हैं सिंगल वॉल कार्बन एनो ट्यूब लेकिन इसका डायमीटर जो होता है स्टूडेंट्स सिंगल वॉल कार्बन एनो ट्यूब का वो क्या होता है 0.5 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर की रेंज में होता है सिंगल वॉल कार्बन एनोट्यूब राइट सिंगल वॉल कार्बन एनोट्यूब क्या होता है इसको हम स्ट्रक्चर अगर हम बना अगर एग्जाम में आ जाता है बनाने को तो एक ट्यूब बनाए आप इसके अंदर ग्रेफाइट इसके अंदर आप जो है बनाएं, एक बहुत सारे हेक्सगनल रिंग्स इसके अंदर जोड़ते चले जाए जब हेक्सागनल रिंग्स इसके अंदर जोड़ देंगे क्योंकि इसमें हेक्सागन रिंग्स ही होते हैं एक हेक्सागन दो हेक्सागन तीन हेक्सागन चार हेक्सागन तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा सी एन टी का स्ट्रक्चर होगा और ये सी एन टी जो होती है ये कैसी है सिंगल वॉल कार्बन है ठीक है ना तो हेक्सगनल स्ट्रक्चर होता है Hexa... स्ट्रक्चर होता है तो इसे कहेंगे सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब एक ही कार्बन है, है? है, है एक साथ में कनेक्टेड होती है को एक्सली होती है ठीक है ना एक कार्बन एनो ट्यूब एक कार्बन ट्यूब हो गई, गई, गई यानी कि इनका सेंटर क्या हो गया एक, एक ही हो गया तो बहुत सारी कार्बन एनो ट्यूब को कह देते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स ठीक है ना सिंगल वॉल कार्बन और मल्टी वॉल कार्बन तो लेंथ जो होती होती है इसकी कितनी होती है फाइव टू सिक्स ना सिंगल सीट कार्बन एटम टाइटली बॉन्ड टू हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मोनोलेयर क्या होती है ये सीमलेसली मोड़ दी जाती है और एक साथ में कार्बन बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए होती है और एक सिलिंड्रिकल शेप में बनकर तैयार हो जाने होने वाली ट्यूब होती है सिलिंड्रिकल शेप होती है ठीक है ना और ये बन जाती है सिंगल वॉल कार्बन एनो ट्यूब मल्टी वॉल कार्बन एनो ट्यूब इसमें क्या होता है सेवरल नेस्टिक का मतलब होता है एक ही एक्सिस पर लाई करने वाली बहुत सारी ट्यूब एक साथ में जोड़ दी जाती है एक के बाद में एक जैसे सिलेंडर बहुत सारे सिलेंडर को एक दूसरे के अंदर फिक्स कर देते हैं तो इस तरह से कार्बन से बने बनने वाला मटेरियल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को एक्सियली कंबाइंड होती है एक साथ में जुड़ी हुई होती है एक्सिस उनका एक ही होता है सेंटर सेम सेंटर होता है को एक्सियली होती है को एक्सली का मतलब होता है कि एक ही सेंटर होता है सभी ट्यूब का मल्टी वॉल, मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स होती है ये ठीक है ना नेस्टिक का मतलब होता है एक के बाद में दूसरी ट्यूब एक एक के अंदर डाल देना सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स से बनती है ये बहुत सारी कार्बन नैनो ट्यूब्स एक के बाद में एक अंदर डालते जाते हैं ठीक है ना तो यह बनकर तैयार होती है मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब को एक्जेक्टली कनेक्टेड होती है एक ही सेंटर से कनेक्टेड होती है स्टूडेंट सेम सेंटर है डिफरेंट डायमीटर लेकिन डायमीटर इसका अलग अलग होता है अब इसकी बात कर लेते हैं कि इनर डायमीटर कितना होता है और आउटर डायमीटर कितना होता है देखिए इनर डायमीटर क्या है और आउटर डायमीटर क्या है तो इनर डायमीटर किसे कहते हैं आउटर डायमीटर किसे कहते हैं तो ये मान लीजिए मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब है ठीक है ना इसके अंदर दूसरी कार्बन नैनो ट्यूब है ये है मान लीजिए तो ये जो है यहां से ये सेंटर तो दोनों का एक ही हो गया अब ये जो डायमीटर है ये कहलाता है आउटर डायमीटर आउटर डायमीटर और ये वाला डायमीटर क्या कहलाएगा इनर डायमीटर तो इनर डायमीटर तो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर क्या होता है देखिए इनर डायमीटर जो अंदर वाली ट्यूब होती है ना तो उसका तो डायमीटर होता है फाइव से लेकर फिफ्टीन नैनोमीटर और आउटर डायमीटर क्या होता है 50 से लेकर 50 80 यानी कि 50 टू 80 नैनोमीटर अंदर जो बाहर के बाहर की ट्यूब होती है ना जिसके अंदर दूसरी ट्यूब अंदर फिक्स की जा रही है उसका डायमीटर 50 से लेकर 50 80 यानी कि 50 टू 80 नैनोमीटर होता है लेंथ इसकी 5 टू 6 माइक्रोमीटर होती है मल्टी वॉल कार्बन एनोट्यूब का इंप्रूव वर्जन ऑफ सीएन टी इंप्रूव वर्जन यानी कि सीएन टी कोई इंप्रूव करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या होता है मल्टी वॉल कार्बन एनोट्यूब का यूज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी एन टीज टीएनटी का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको देखिए मल्टी वॉल कार्बन नैनो और सिंगल वॉल कार्बन ट्यूब्स तो सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब का स्ट्रक्चर तो सिंपल सा ये आपको सीधा सीधा सा इसमें हेक्सागोनल रिंग्स और पेंटागोनल रिंग्स इसमें अटैच करते जाएंगे एक हेक्सागन बनाए दूसरा हेक्सागन बनाए तीसरा हेक्सागन बनाए इसी तरह से बहुत सारे हेक्जनल रिंग्स क्या है जोड़ते चले जाए तो यह बन जाएगा आपका सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स इस तरह से सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स बनकर तैयार हो जाएगी स्टूडेंट्स जबकि मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होगी ठीक है ना यह सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स हो जाएंगी इसी तरह से मल्टी वॉल कार्बन नेनोट्यूब जो होगी ये सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब का स्ट्रक्चर मल्टीवॉल कार्बन नेनोट्यूब्स का क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है बहुत सारी नेस्टिक सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब यह सिंगल वॉल कार्बन नेनोट्यूब्स है वन और ठीक इसके नीचे दूसरी सिंगल वॉल कार्बन नेनोट्यूब्स इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और ये सारी कैसी होती है को एक्सियली होती है को एक्सियली सिंगल वॉल कोएक्ली सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू आर कनेक्टेड टू फॉर्म मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स ठीक है ना एक कार्बन एक सिंगल वॉल हो गई दूसरी सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब ही हो गई तो इस तरह से यह बन गया आपका मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब राइट अब इसके एप्लीकेशन पर बात आती है यूज ऑफ द रिप्लेस ऑफ सिलिकॉन बेस्ड कंडक्टर सिलिकॉन बेस्ड कंडक्टर को रिप्लेस करके सीएनटी का यूज किया जा रहा है सोलर पैनल्स में इसका यूज किया जा रहा है क्योंकि सिलिकॉन बेस जो कंडक्टर होते हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाते हैं तो उसका एक रिप्लेस uh, करके सीएन को ला लाया जा रहा है सीएन को यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मटेरियल ठीक है ना जल्दी से टूटता नहीं है यूज एज न्यू जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज किया जा रहा है सेंसिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर की तरह से यूज किया जाता है अल्ट्रा सेंसिटिव होता है फोटो डिसोसिएशन को शो करता है यानी कि जैसे इस पर लाइट गिरती है तो क्या होता है इसके अंदर करंट तेज से फ्लो होना शुरू हो जाता है तो ये अच्छा कंडक्टर भी है दे आर यूज मेकिंग द कंपोज़िट मटेरियल फ्यूल सेल बनाए जाते कंपोज़िट मटेरियल क्यों क्यों बनाया जाता है क्योंकि सीएन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंसाल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही एक्सेलेंट होती है स्टूडेंट टें सारी स्ट्रेंथ तो इसकी इतनी एक्सेलेट होती है कि स्टील का वायर अगर लिया जाए तो उससे जो होता है हंड्रेड टाइम्स स्ट्रोंगर होती है कार्बन एनोट्यूब अगर उतनी ही विट्स का उतनी ही लंबाई का उतनी ही चौड़ाई का उतनी ही डायमीटर का उतनी ही रेडियस का स्टील वायर ले तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक सौ यानी कि हंड्रेड टाइम स्ट्रांग होता है सी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है तो इसी बेस पर बहुत सारी एप्लीकेशन हो जाती है सोलर सेल में सोलर फ्यूल सेल में फ्यूल सेल में इसका यूज किया जाता है TNT, फाइबर बनाने के लिए फैब्रिक्स बनाने के लिए ठीक है ना और अधेशन बनाने के लिए यानी कि कंडक्टिव अध्यसन का मतलब होता है एक दो चीजों को हमें जोड़ना है वहां से करंट भी फ्लो कराना है तो ऐसी जगह जोड़ने के लिए सीएन को यूज करते हैं सी को फिल कर दिया जाता है और उसको जो मटेरियल जोड़ दिया जाता है तो इससे क्या होता है वेल्डिंग हो जाती है और वहां पर करंट भी आसानी से फ्लो हो जाता है क्योंकि सीएन क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है इलेक्ट्रिकल कैटेलिटी कैटेलिटिक सपोर्ट को यूज करता करने का काम करता है ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के पार्ट स्पेस क्राफ्ट के पार्ट क्योंकि इसकी टेंसाली स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है बोट के पार्ट है शिप्स के पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए सी का यूज किया था फॉर मेकिंग द स्पोर्ट्स गुड स्पोर्ट्स में यूज होने वाले बहुत सारे सामान है उसको बनाने के लिए वाटर फिल्टर बनाने के लिए फिल्टर को यानी कि पानी को फिल्ट्रेशन देने के लिए पानी को प्योरीफाई करने के लिए जो फिल्म फिल्म का यूज किया जाता है जहां से पानी फिल्टर होकर जाता है वो भी सीएन टी की बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड में भी इसका यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी सीएनटी का यूज किया जाता है तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है सीएन टी की आई uh, थिंक आपको समझ में आ गई होगी सीएनटी की एप्लीकेशन स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट है ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिक्विड क्रिस्टल्स का आया है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था सेकेंड क्वेश्चन जो हमने आपको बताया लिक्विड क्रिस्टल से के बाद में जो डिस्कशन हुआ है वो सेकेंड क्वेश्चन कौन सा था स्टूडेंट्स बक मिस्टर फुलेरिन और कार्बन का था वेरी इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान से आप ये प्रिपेयर करेंगे और फिर इसके बाद में सी का आ गया कार्बन देनोट्यूब का आ गया अब लास्ट में जो आता है स्टूडेंट्स और ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं टू मार्क्स में भी बहुत आता है

हम बता रहे हैं ये सभी सेवन मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन को लिया गया है तो इसमें से एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बचता है वो है विद द हेल्प ऑफ दी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेन दी पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ओ टू ओ टू एंड एंड टू यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बताने जा रहे हैं आपको बहुत बार बार आता है बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है कि टू मार्क्स में भी हमेशा रिपीट होता है ये सेवन मार्क्स में भी रिपीट होता है तो दो हजार इक्कीस बाईस में ये क्वेश्चन आया है O2 और N2 का जो है molecular orbital diagram बनाना है ऑर्बिटल डायग्राम बनाना और उसका जो है बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक नेचर ठीक है ना मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताना है इसके बाद में फिर एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर लास्ट बता रहे हैं आपको और वो है 2021-22 में सेमेस्टर फर्स्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है विद हेल्प ऑफ दॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ एन ओ एन एन टू एनो NO और एन टू नाइट्रोजन नाइट्री ऑक्साइड का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आया है कैलकुलेट कैलकुलेट ऑर्डर करना है है प्रेडिक्ट दी मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए ऑर्बिटल डायग्राम जब आता क्वेश्चन तो इसमें तीन चीजें पूछी जाती है पहला मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए दूसरा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तीसरा मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा वो बताना होगा आपको तो इसको समझने के लिए इसको सीखने के लिए कुछ पॉइंट्स पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे पहली चीज तो ये कि सबसे पहले यह चेक करें कि वो मोलिकुलर ऑर्बिटर डायग्राम जिस मॉलिक्यूल का बनाना है वो एक ही एटम से मिलकर बने हैं या अलग अलग एटम से मिलकर बने होते हैं अगर एक ही एटम से सिमिलर एटम से तो उसे कहते हैं होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटर डायग्राम्स जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स दो तरह के हैं एक तो है होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होमो न्यूक्लियर डाई अटोमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा है हेट्रोन्यूक्लियर डाई अटोमिक मॉलिक्यूल्स तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि एक जैसी एटम से जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हाइड्रोजन है हीलियम है हीलियम uh, को छोड़ देते हैं क्योंकि हीलियम ही मोलिकुलर फॉर्म में नहीं पाया जाता फिर N2 है फिर O2 है एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसी तरह से आइनिक मॉलिक्यूल भी पूछे जा सकते हैं O2, O2 डबल माइनस चार वगैरह इसी तरह से हेट्रोन्यूक्लियर क्या होते हैं डिसिमिलर एटम है एक साथ में जुड़े होते हैं दो ही एटम इसके अंदर भी होते हैं जैसे कि टी ओ एन ओ ठीक है ना एच एफ ये सारे लेक्चर जो है इन सब के प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं वहां पर इन सब को हमने डिक्टेट किया है इसी तरह से कुछ आयनिक मॉलिक्यूल सी ओ एन ओ माइनस चार्ज एनओ प्लस चार्ज वगैरह वगैरह तो ये आते हैं लेकिन इन क्वेश्चन में कौन कौन से मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल डायग्राम को बताने बताने जा रहे हैं एक तो ऑक्सीजन को बताने जा रहे हैं एक नाइट्रोजन को एक्सप्लेन करेंगे और तीसरा है एनओ नाइट्रोजन जो है दो बार आ चुका है राइट तो इसमें से एक दो तो ये कैसे हो गए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया और एक कैसा हो गया हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया राइट तो इसे हम स्टार्ट करते हैं बनाना ठीक है तो पहला जो है इसको बनाने से पहले आपको ये चेक करना होगा दो तीन चीजें हैं सबसे पहले तो रिमेंबरिंग पॉइंट्स रिमेंबरिंग पॉइंट्स कौन कौन से पहला पहले तो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप चेक कर लीजिए कितने हैं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखनी है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन कॉन्फिगुरेशन बतानी होगी इन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या है ठीक है ना तो ये दो चीजें बहुत परफेक्टली आपको याद करनी होगी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है तो सपोज इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन और इक्वल टू फोर्टीन है तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है फोर्टीन हो या फोर्टीन से कम हो तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे हम शो करेंगे किसी मॉलिक्यूल में तो वो कैसे करेंगे देखिए पहले दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में लाई करेंगे फिर इसके बाद में सिग्मा स्टार वन एस में जाएंगे फिर सिग्मा 2s में जाएंगे फिर सिग्मा स्टार टू एस में जाएंगे फिर अगर चौदह से कम है तो दो दो चार दो छह हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन्स को आप भरेंगे दो और दो चार दो छह दो आठ ठीक है ना फोर्टीन से कम है तो नाइन्थ इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इन पाई टू पी वाई एंड टेंथ इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर पाई टू पी जेड तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस तरह से एक पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा फिर ये इसकी पैरिंग होगी फिर इसकी पैर होगी तो इस तरह से ये आ जाएगा पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड फिर इसके बाद में आएगा सिग्मा टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ठीक है और फिर इसके बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जेड बैकहेंट रह जाएंगे खाली रह जाएंगे और सिग्मा स्टार टू पी एक्स भी खाली रह जाएगा ठीक है अगर इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन फोर्टीन अगर चौदह से ज्यादा है स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया जैसे कि कार C2 है जैसे कि यहीं पर ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं का का नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक में सात है दूसरे में सात है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो गए सात और सात चौदह इसी तरह से ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन है दूसरा ऑक्सीजन है एक में आठ है दूसरे में आठ है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आठ और आठ सोलह अगर नाइट्रोजन का आता है तो ऊपर वाली ये इस तरह से भरेंगे जो ऊपर का सीक्वेंस रूल दिया गया है अगर ऑक्सीजन का आ जाता है तो अब जो बता रहे हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरना है आपको पहले दो इलेक्ट्रॉन सिगमा वनएस में दूसरे दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार वनएस में अगले दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू एस में देन आफ्टर सिग्मा स्टार इसका एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा सिग्मा स्टार टू एस फिर पाई फिर सिग्मा टू पी एक्स बस ये चेंज है ये चेंज कैसे स्टूडेंट्स ये वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड से पहला आ जाएगा राइट बस ये चेंज करना है बाकी कोई चेंज नहीं करना है इसमें फिर आ जाएगा पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड दो दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें भर जाएंगे फिर इसके एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जेड इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं और फिर लास्ट में आता है सिग्मा अगर ऑक्सीजन का केस है ऑक्सीजन का केस है तो फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है देखिए ऑक्सीजन में कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन सोलह तो दो और दो चार दो छह दो आठ दो दस दो ग्यारह दो बारह दो सोलह चौदह चौदह इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से भरे जाएंगे लेकिन पंद्रवा और सोलवा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आएगा फ्रेंड्स वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा इस तरह से ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके अंदर राइट तो यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा स्टूडेंट तो एक और एक सोलह इस तरह से हो जाती है तो चौदह पंद्रह सोलह इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और फिर ये क्या रह जाता है खाली रह जाता है तो अब स्टार्ट करते हैं दोनों सिक्वेंस रूल आई थिंक समझ में आ गए होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या था देखिए इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करने में पहला क्वेश्चन था ओ टू एंड एन टू ओ टू और एन टू को ड्रॉ करके दिखाते हैं तो पहले एन टू को बताते हैं एंड टू नाइट्रोजन देखिए एन टू में एक एन तो ये हो गया और एक एन ये हो गया कितने इलेक्ट्रॉन इसमें सात और इसमें कितने हैं सात टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है हाँ इससे पहले जो है इसका ये सात इलेक्ट्रॉन एटम में कहां पर होंगे तो पहले दो इलेक्ट्रॉन वन इसमें आएंगे फिर टू एस आफ्टर टू पी तो इस तरह सात इलेक्ट्रॉन बता देंगे इसी तरह से यहां पर भी सात इलेक्ट्रॉन पहले दो वन एस में दूसरे दो इलेक्ट्रॉन से टू एस में ती। right? भी दो इलेक्ट्रॉन से और टू पी में कितने इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट तीन एक दो और तीन इसी तरह से इसमें वन एस में और टू एस में और 2p में तीन इलेक्ट्रॉन 1s तो में दो इलेक्ट्रॉन 2s में दो इलेक्ट्रॉन फिर एंड 2p टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें स्टूडेंट्स तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर एक में सात इलेक्ट्रॉन है दूसरे में सात टोटल कितने हो गए फोर्टीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन इन मॉलिक्यूल्स चौदह इलेक्ट्रॉन को कॉन्फिगर करना है तो पहले सिक्वेंस रूल से आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो तो कहां जाएंगे वो बताते हैं आपको देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो सिग्मा वन एस में आ जाएंगे फिर दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार वन एस में इस तरह से कितने हो गए चार इलेक्ट्रॉन हो गए फिर अगले दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा एस में सिगमा टूएस में फिर नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन सिगमा स्टार टूएस में राइट अगले दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहां जाएंगे स्टूडेंट्स क्योंकि फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है आठ इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हो चुके हैं नवा और दसवा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पाई टू पी वाई पाई टू पी दोनों के बीच में इज इक्वल टू का मार्क है राइट तो इज इक्वल टू का मार्ग है पहले इसमें जाएंगे फिर इसमें जाएंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर गए नौ दस फिर पेयरिंग हो जाएगी ग्यारह और बारह तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे फिर सिग्मा टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरह से फोर्टीन इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएंगे दो दो चार दो छह दो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पाई स्टार टू पी वाई

सिमिलर एटम है तो बिल्कुल आमने सामने बनाना है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को राइट दो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है और दो ही इलेक्ट्रॉन्स कहां है यहां पर दोनों तो की ओवरलैपिंग होगी तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनकर तैयार होंगे इस तरह से और ये वन एस है ये वन एस है और इससे क्या बना सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो पहला क्या हो गया वनैस और वनस का क्यों ओवरलेपिंग करें दो ऑटोमिक ऑर्बिटल ओवर ओवरलेप करेंगे तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा वनस और सिग्मा स्टार वनैस दोनों फिल हो गए अब 2s को बनाते हैं तो 2s और ठीक यहां पर 2s ठीक है ना 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 2s एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों की ओवरलैपिंग करेंगे स्टूडेंट्स और ये बन जाएंगे दो मोलिकुलर ऑर्बिटल यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन से और यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन से ये भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए स्टूडेंट्स ये भी दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s ये भी कंप्लीटली भर गए सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s अब नेक्स्ट आता है टू पी का तो टू पी ऑर्बिटल और ठीक यहां पर 2p अटोमिक ऑर्बिटल कितने कितने इलेक्ट्रॉन से टू पी में टू पी में देखिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन है इसमें एक दो और तीन इसी तरह से यहां पर भी वन टू एंड थ्री अब इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल तो कैसे होगा देखे अब बात आती है किसकी पाई टू पी वाई और पाई टूपीजेड यहां से देखना है आपको स्टूडेंट्स तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे तो पाई टूपीवाई पाई टू पी जेड के बीच में किसका निशान है इज इक्वल टू गार्के तो दोनों को एक साथ बनाना है आपको ठीक है ना पाई टू पी वाई पाई टू पी से राइट दोनों ही भरे हुए हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ए दो इलेक्ट्रॉन्स यहां शो कर दे दो इलेक्ट्रॉन्स यहां कर दे तो इसका भी बन गया स्टूडेंट्स राइट अब सिग्मा टू पी एक्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तो सिग्मा टू पी एक्स में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा टू पी एक्स में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए राइट अब एंटीबॉन्डिंग जो कि खाली है वो यहां शो करने होंगे आपको ऊपर की तरफ राइट पाई स्टार टू पी वाई फाइव स्टार टू पी जो कि वैकेंट है इसी तरह से लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी एक्स भी क्या रह जाएगा खाली रह जाएगा एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां लिख देंगे एनर्जी टैग लाइन ठीक है ना तो यह बनकर तैयार हो गया किसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं हम ठीक है ना बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में देखिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर N2 टू बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर यानी बी ओ का फॉर्मूला है टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस टू अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं चौदह है तो दस तो होंगे बॉन्डिंग में और चार किस में होंगे एंटी बॉन्डिंग में ठीक है ना तो दस माइनस चार डिवाइड बाई टू टोटल तो तो कितना हो गया सिक्स बाई टू यानी थ्री आ गया यानी के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड पेयर्ड किसमें है इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स तो एन टू इज डाया मैग्नेटिक एन टू कितना हो जाएगा डाया मैग्नेटिक हो जाएगा देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है दस एंटीबॉन्डिंग में कितने हैं चार है वो कैसे पता चला यहां से यहां से देख लीजिए जो स्टार वाले हैं वो एंटीबॉन्डिंग है ठीक है ना ये कैसे होते हैं ये बी एम ओ है और ये क्या होंगे ए एम ओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ये क्या होते हैं दीज आर दीज आर ऑर्बिटल्स तो बॉन्डिंग वाले क्या होंगे इलेक्ट्रॉन जिसमें स्टार नहीं बना हुआ जैसे कि ये वाला हो गया सिग्मा मने दो इलेक्ट्रॉन इसमें ये एंटी बॉन्डिंग वाले इसे छोड़ दे ये वाला बचा तो दो और दो चार इसे छोड़ दे फिर ये दो इसमें आ गए जिसमें स्टार नहीं बना हुआ है तो दो और दो चार पांच छह सात आठ नौ दस तो दस कैसे हो गए बॉन्डिंग हो गए अब वाले में हो गए। तो दो, और दो चार और कहीं पर नहीं है देखिए स्टार वाले में तो चार, दस चार हो गए। अब सारे अगर जितने भी है पेड है देखिए इसमें देखें इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में देखना है आपको बीच वाली लाइन में अगर सारे दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे जोड़े में दिखाई दे रहे हैं तो वो कैसा होगा डायमैग्नेटिक डाय का मतलब होता है दो ठीक है ना इसी तरह से अगर एक भी अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो वो कैसा होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी 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 दो 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 इलेक्ट्रॉन है यहां यहां सब जोड़े में है 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 यहां 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 भी 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 दो भी दो दो सब जोड़े में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा डाय मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक ये नहीं है डाय मैग्नेटिक होगा ठीक है ना तो इस तरह से यह डाय मैग्नेटिक हो जाएगा अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ओ टू ठीक है ना ओ टू का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन यानी कि ओ, ओ आठ इलेक्ट्रॉन इसमें है आठ ही इलेक्ट्रॉन इसमें है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन करेंगे वन एस टू टू एस टू वन एस टू टू एस टू एंड टू पी फोर किसी तरह से इसमें वन एस टू टू एस टू एंड टू पी फोर वन एस में दो इलेक्ट्रॉन है टू एस में दो इलेक्ट्रॉन है और टू पी में कितने इलेक्ट्रॉन है चार एक दो तीन और ये चौथा पैड हो गया यानी कि वन एस टू एस एंड टू पी इसी तरह से यहां पर वन एस में दो इलेक्ट्रॉन्स टू एस में दो इलेक्ट्रॉन्स और टू पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है चार वन टू थ्री एंड हियर इज फोर तो वन एस टू एस एंड टू पी राइट टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिने टोटल इलेक्ट्रॉन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स आठ प्लस आठ सोलह तोला कितने हो गए फोर्टीन से ज्यादा हो गए तो फोर्टीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा सेकेंड सिक्वेंस से हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सोलह को फिल करना है तो पहले दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा वन एस में अगले दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार वन एस में फिर सिग्मा एस में फिर सिगमा स्टार टू एस में राइट फिर क्या होगा क्योंकि चौदह इलेक्ट्रॉन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन से वो सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन से फोर्टीन से ज्यादा है तो आठ इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से भर जाएंगे नाइन्थ इलेक्ट्रॉन की कहा एंटर करेगा सिग्मा टू पी एक्स में एंटर करेगा राइट नाइन्थ और टेंथ बस यही चेंज है अगर इसमें फोर्टीन से कम होते तो पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड में जाते इलेक्ट्रॉन फिर पाई टू पी पाई पाई टू पी जेड इस तरह से देखिए दस दस यहां तक हो गए ग्यारह बारह तेरह चौदह इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दें फिर इसके एंटीबॉन्डिंग आ जाएंगे पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जेड तो यहां पर देखिए दो और दो चार दो छ दो आठ दो, दो दस टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन और कितने भरने हैं आपको सिक्सटीन तो फिफ्टींथ इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर करेंगे स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना है पंद्रवा इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा यहां पर आ जाएगा कहां पर ये आ गया और सोलवा इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएगा तो इस तरह से पंद्रह और सोलह और लास्ट में सिग्मा टा टू पी एक्स क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा अब इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं कैसे बनाएंगे देखिए ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है पहले के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहां लिखेंगे क्योंकि होमोन्यूक्लियर है ठीक इसके सामने दूसरे के लिख देंगे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहां है दो इलेक्ट्रॉन यहां है इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये बन जाएंगे दो मोलिकुलर ऑर्बिटल राइट एक में दो इलेक्ट्रॉन आ गए दूसरे में भी कितना आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इससे जो बने 1s 1s वन एस और सिग्मा स्टार वन एस तो यह राइट तो पहला क्लियर हो गया भर दिया आप टूएस की ओवरलेपिंग कराएंगे टूएस और टूएस इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स और यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है टूएस एंड टूएस इसकी ओवरलैपिंग कराएंगे तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनकर तैयार होंगे वो कौन से होंगे सिग्मा और सिग्मा और स्टार जो कि पूरी तरह से भर गए देखिये ट्वेस और टूएस की ओवरलैपिंग से सिग्मा टूएस और सिग्मा स्टार टूएस अब टूपी की ओवरलैपिंग करेंगे तो टूपी की ओवरलैपिंग आप यहां शो करें बिल्कुल आमने सामने लिखना होगा स्टूडेंट्स ड्रॉ करने हैं 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फोर इलेक्ट्रॉन होंगे वन टू थ्री एंड फोर देखिए फोर इलेक्ट्रॉन यहां है फोर इलेक्ट्रॉन यहां है टू पी एंड दिस वन इज ऑल्सो टू पी अब इसकी ओवरलैपिंग कराएंगे हम तो कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे पहला क्या है पहला देखिए टू पी एक्स है तो सिग्मा टू पी एक्स यहां से देखिए देखिए वन एस यहां हमने ड्रॉ कर दिया फिर सिग्मा स्टार वन एस हो गया टू एस इधर है तो टू एस का ड्रॉ कर दिया फिर स्टार टू एस फिर इसके बाद में स्टार टू एस आ गया फिर सिग्मा टू पी एक्स आ गया ये भी दो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है फिर क्या आएगा फिर ये आ जाएगा दो दो पाई टू पी, तो पी वाई और पाई टू पी जेड दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर दें और दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दें तो ये हो गया पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड राइट और फिर पाई स्टार टू पी वाई और पाई टू पाई स्टार टू पी जेड ये ऊपर बनाएंगे आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जेड राइट एक एक इलेक्ट्रॉन से इसके अंदर देखिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन से फिर लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी एक्स क्या रह गया खाली रह गया एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे और एनर्जी लाइन लेंगे यहां पर देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जेड रेस्पेक्टिवली इट इज पैरा मैग्नेटिक इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर आ रहा तो ये क्या होगा ऑक्सीजन कैसा होगा स्टूडेंट्स पैरा मैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक नहीं होगा और कैसा होगा हाईली पैरा मैग्नेटिक होगा राइट right? ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी उसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए वो डायमैग्नेटिक था ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टू चेक करते हैं बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देखिए सोलह इलेक्ट्रॉन है तो दस तो इसमें बॉन्डिंग में आ गए बाकी बचे छह एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे तो इस तरह से यह आ जाएंगे फोर बाई टू का मतलब है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड्स हैं ठीक है ना मैग्नेटिक बिहेवियर हाईली पैरामैग्नेटिक होगा राइट मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हाईली पैरा मैग्नेटिक हाईली पैरा मैग्नेटिक होगा हाईली पैरा मैग्नेटिक क्यों होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं इसमें अनपेयर्ड है तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया लास्ट में आता है एनओ NO का क्योंकि यहां पर आपने देखा स्टूडेंट्स कौन कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम इंपॉर्टेंट है एनओ NO का एनओ NO या सीओ का दोनों में से कोई सा भी आ जाए दोनों को हम कैसे बनाएंगे वो बता देते हैं आपको एनओ NO का एनओ NO. देखिए ये सबसे पहली चीज तो ये हिट्रोन्यूक्लियर है हिट्रोन्यूक्लियर का मतलब होता है डिसिमिलर आइटम एक साथ में जुड़े हुए एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है डिसिमिलर आइटम्स हो गए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे एन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें नाइट्रोजन में सात है ऑक्सीजन में कितने हैं आठ है ठीक है ना वन एस टू टू एस टू टू पी सात इलेक्ट्रॉन्स है तो टू पी में कितने बचे थ्री टू पी में बचेंगे थ्री इसी तरह से इसमें आठ इलेक्ट्रॉन है वन एस टू टू एस टू एंड टू पी फोर यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स वन एस में आ गए स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रॉन्स टू एस में आ गए और तीन इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे वन टू थ्री टू पी में आ जाएंगे इसी तरह से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन वन एस में दो इलेक्ट्रॉन्स टू एस में और चार इलेक्ट्रॉन्स पी आ जाएंगे ये बने ठीक है अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स गि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो सेवन प्लस एट इज इक्वल टू फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है पहले दो इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि होमोन्यूक्लियर में बताया था पहले दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में दूसरे सिग्मा स्टार वन में क्योंकि तो फिफ्टीन है फोर्टीन से ज्यादा है तो सेकंड सिक्वेंस से इसमें भरेंगे इस सिग्मा 2s तो में दो इलेक्ट्रॉन फिर सिग्मा स्टार 2S में दो इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से आठ इलेक्ट्रॉन हो गए अब नाइन्थ इलेक्ट्रॉन किस में आएगा सिग्मा टू पी एक्स में आएगा क्योंकि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ठीक है ना नाइन्थ और टेन्थ तो दो और दो चार दो छ दो आठ दो दस इसी तरह से फिर पाई टू पी वाई पाई टू पी सेड तो दो चार दो छ दो, दो आठ दो दस टेन इलेक्ट्रॉन तो यहां हो गए टेन नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्व इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे फिर 13, 14 तो 14 इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएंगे फिर पाई पाई स्टार स्टार 2p y राइट? कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने फिल से देखिए दो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा वन में दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन सीमा वन दो इलेक्ट्रॉन आ गए सिग्मा टूएस में राइट फिर दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार टू एस में इस तरह से आठ इलेक्ट्रॉन तो यहां भर देंगे आप। फिर 2PX में दो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है है। तो इलेक्ट्रॉन तो uh, पाई टू पी जेड दोनों में भर जाएंगे फिर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है फोर्टीन के बाद में फिफ्टीन आएगा तो वो यहां पर अनपेयर बचेगा अब इसका कोई पेयर नहीं बन पाएगा और ये खाली रह जाएगा स्टूडेंट और लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी एक्स भी क्या रह जाएगा खाली रह जाएगा अब इसको ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं यहां तक तो देखे जस्ट सिमिलर था जैसे कि होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल आपने ड्रॉ कर, कर क, करेंगे इसी तरह से हेड्रोन्यूक्लियर भी इसी तरह से ड्रॉ करना है लेकिन फर्क कहा होगा वो आप देखते हैं देखिए कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन राइट एक के अटोमिक एटॉमिक ऑर्बिटल यहां लिखें अच्छा दूसरे के जब आप लिखेंगे तो उसको बिल्कुल आमने सामने ड्रॉ नहीं करना ठीक है ना आमने सामने ड्रॉ नहीं करना है आपको बिल्कुल सामने नहीं करना थोड़ा सा स्लाइटली डाउन कर देंगे क्योंकि तो डाउन क्यों करेंगे स्टूडेंट्स वो इसलिए करेंगे क्योंकि तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होगा वो उसकी एनर्जी क्या होती है डाउन होती है इसलिए वो क्या होता है उसके मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑटोमिक ऑर्बिटल भी क्या होते हैं डाउन इन एनर्जी होते हैं तो यहां पर स्लाइटली डाउन कर देंगे आप देखिए वेरिएशन इतना रखना है आपको और ये सभी मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर करना है सभी ऑटोमिक ऑर्बिटल के अंदर करना है तो वन एस और इसका भी वन एस दो इलेक्ट्रॉन यहां भर गए दो इलेक्ट्रॉन यहां बन गए सिग्मा वन एस आ गया और सिग्मा स्टार वन एस आ गया तो क्लियर हो गया होगा डिफरेंस अगर ये होमोन्यूक्लियर हो, होता तो बिल्कुल आमने सामने ड्रॉ लेकिन ये लेकिन न्यूक्लियर है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है तो क्या होगा सेकंड वाले का ऑर्बिटल डाउन कर देंगे एनर्जी में अब दूसरा करेंगे इसको भी इसी तरह से करेंगे स्लाइटली डाउन कर देंगे एनर्जी राइट स्टूडेंट्स आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पॉइंट टू एस टू एस इसी तरह से यहां पर टू एस में सिग्मा स्टार 2s में और सिग्मा और सिग्मा वन एस तो में दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन फिर टूएस में दो इलेक्ट्रॉन फिर सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन फिर, सिग्मा सिग्मा फिर आती है बात टू पी की तो टू पी में भी ऐसी करना होगा बिल्कुल आमने सामने नहीं करेंगे स्लाइटली डाउन कर देंगे हम एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन में वन टू एंड थ्री थ्री कितने इलेक्ट्रॉन है फोर है राइट right? अब इसको भी इसी तरह से शो करना है आपको कि भी एनर्जी डाउन कर देंगे ठीक है ना बिल्कुल आपने सामने ना लिख के स्लाइटली डाउन कर देंगे एनर्जी अब देखिए फिर पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिग्मा टू पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन से दो फिर पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन से दो दो इलेक्ट्रॉन से तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन भर दे और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड फिर इसके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स वो यहां लिख दें आप और ये बन जाएगा आपका देखिए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जेड तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है पाई स्टार टू पी वाई में तो ये क्या है ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन फाइव स्टार टू पी वाई तो पैरा मैग्नेटिक इसलिए क्या होगा ये पैरा मैग्नेटिक होगा और ये सिग्मा स्टार टू पी एक्स खाली रह जाएगा एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दे और एनर्जी लिख दें तो फर्क कहां है इसमें दोनों में फर्क यह आया स्टूडेंट्स जब हमने हेट्रोन्यूक्लियर डाइटोमिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मॉलिकुलरबिटर डायग्राम एक्सप्लेन करें तो दोनों की एटॉमिक एनर्जी में क्या है डिफरेंस है आमने सामने ड्रॉ नहीं करने है आपको अगर आमने सामने ड्रॉ करेंगे तो एग्जाम में कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट कट जाएगा ठीक है ना ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें फिफ्टीन है टोटल तो कितना आ जाएगा टेन माइनस फाइव राइट right? अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ जाएगा इसका मैग्नेटिकवियर पैरा मैग्नेटिक होगा पैरा मैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स आज का जो आपका ये पूरा लेक्चर था इसमें बहुत सारी चीजें समझाइए बहुत ध्यान से आपको समझनी है स्टूडेंट्स सारी चीजें इंपॉर्टेंट सेशन रहा है ये और कंप्लीटली पूरी यूनिट को हमने डिक्टेट करा है और हर एक यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट इस यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो सारे टॉपिक लिए गए हैं आज के इस लेक्चर में और एक शॉर्ट टर्म में यानी कि पूरे इतने टाइम में और पूरी यूनिट को डिक्टेट करना वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन ये सारी चीजें यहाँ करके दिखाई गई है ठीक है ना तो पहली चीज आपको आ, पहला क्वेश्चन बताया लिक्विड क्रिस्टल का इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट बहुत ध्यान से रखिएगा स्टूडेंट लिक्विड क्रिस्टल का आता जरूर है एग्जाम में हमेशा आता है लिक्विड का इसे एक्सप्लेन करा दूसरा क्वेश्चन था फिर लिक्विड क्रिस्टल का फिर तीसरा भी लिक्विड क्रिस्टल्स का था ठीक है ना एप्लीकेशन लिक्विड क्रिस्टल्स वगैरह को एक्सप्लेन कराया और इसके बाद में ग्रेफाइट और फुलरिन को एक्सप्लेन किया इसके स्ट्रक्चर बताएं ठीक है ना ट्रंकेटेड आइकोसाइड्रट ज्योमेट्री जो कि फुलेरिन का स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सप्लेन करा तीसरा इसके बाद में जो क्वेश्चन आए थे जो आपको एक्सप्लेन किए गए कार्बन नैनोट्यूब के क्वेश्चन थे ठीक है ना उसके बारे में बताया फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन नैनो कंपाउंड्स की कार्बन नैनो मटेरियल्स की क्या होती है ठीक है ना ये याद कर लीजिएगा आप और लास्ट में जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो कि कुछ होमो न्यूक्लियर और कुछ हेट्रोन्यूक्लियर के बताए गए आपको जिसमें से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है हमेशा एग्जाम में आते हैं दो मार्क्स में तो हमेशा आता है क्वेश्चन लेकिन सेवन मार्क्स में ही बार बार ये रिपीट होता है राइट इसमें दो तो होमो न्यूक्लियर का बताया दो हेट्रो एक हेट्रो न्यूक्लियर का बताया अगर इसकी जगह सी एन की जगह अगर सीओ आता है एग्जाम में तो उसमें क्या हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है क्या आ, ये वाला सिग्मा टू पी एक्स जो है ये बाद में कर देंगे और पाई टू पी एक्स पाई टू पाई पाई टू पी जेड पहले ले आएंगे यानी कि उसमें फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उसका सिक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो आई होप लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस यूनिट के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे लेक्चर पसंद आया तो बहुत आप लाइक्स जरूर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर कि अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई तो वही बताएंगे आप इंपॉर्टेंट सेशन रहा है आज का ये लेक्चर सेशन तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें थैंक्स